तो राफीबाई मैंने आपको होस्ट भी कर दिया ठीक है सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस और आज सबसे पहले मैं राफी भाई का जाना शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आया हमारी स्टेज पे क्योंकि वो उनकी वैसे भी लाइफ है एज अ मतलब वो एक एजेंसी के टॉप रेटेड एजेंसी में काम करते हैं एज एन एस यू स्पेशलिस्ट तो उनके पास पहले टाइम छोटे लेकिन फिर भी पाई के साथ रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने हमारी एक्सेप्ट की प्रपोजल और देन वो आए स्टेज पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राफेब भाई इस बात के लिए और बाकी ऑडियंस को अपोलोजाइज करता हूँ मसरूफियात आज की सो so, खैर हम लोग अपना सेशन का आगाज करते हैं सो so, हम लोग ना सबसे पहले राफे भाई से उनका इंट्रो लेंगे और देन हम उनसे उनकी जो फ्रीलांस जर्नी के बारे में थोड़ा उनसे ओवरव्यू करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे कैसे वो आगे बढ़े सो ओवर टू यू राफे भाई थैंक यू अच्छा पहले मैं थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बता दूं Uh, मैंने सिक्सटीन में स्टार्ट किया एज अ वेब डिवेलपर पी एच पी डॉट नेट वग़ैरह तो उसके बाद मैं मूव हो गया एसी में अराउंड ट्वेंटी एटीन सेवनटीन में तो पहले एक दो जॉब्स की हैं फिर फ्री में एंटर हो गए हैं तो टोटल जितना भी किया है वो लिंकडिन के थ्रू ही किया है काम तो क्लाइंट्स वगैरह हो, हो गया प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, हो गया सब कुछ इन से ही हुआ है तो कोई भी फ्रीलांस लास्स प्लेटफार्म अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ लाइक फाइवर अपवर्क वगैरह और इसके अलावा मल्टीपल एजेंसीज़ में काम किया है और मोस्टली फॉरेन एजेंसीज में ही काम किया है और जो इंडस्ट्री के बिग नेम्स हैं करंटली डैनल हो गया इसके अलावा लिरास पोस्टान एक्स सैमरा कॉन्टेंट स्ट्रेटजिस्ट रही हैं उनके साथ काम किया है उसके अलावा ट्रेवल्स टॉलबर के साथ काम किया है वो तकरीबन बीस सालों से ऐसीों में है और उसके अलावा आज रेस्पस वो भी दस पंद्रह साल से हैं वो मेरे मेंटोर भी हैं और एक दो नेम्स और भी हैं तो अभी वो भी नहीं आ रहे एलेक्स पेना है एक तो मतलब जितना भी काम किया है तो मोस्टली जो एक ऐसी में माने जाते हैं लोग उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला है हाँ एक और नेम रायान दरानी आप सब लोग जानते होंगे शायद उसको भी तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है मुझे खैर अभी डैनियल के साथ और कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये मेरी ऐसी जर्नी है टोटल तो स्पेशलाइजेशन जो मेरी है वो ऑन पेज और टेक्निकल में है और अगर ऑफ पेज में देखें तो हाथ बहुत ज़्यादा तंग है मेरा <laughs> जस्ट प्लान करके बता सकता कि हमें ये चीज़ चाहिए और ऐसे करनी है लेकिन प्रैक्टिकली कभी एक बार भी नहीं किया ज़िंदगी में मतलब ऑफ पेज ऐसे में देखा जाए तो कभी भी एक भी एक भी बैक लिंक बिल्ड नहीं किया अभी तक तो ये होगी मेरी ऐसी की खैर अब चलते हैं काम की तरफ जरा नहीं नहीं राफेल भाई अभी काम की तरफ नहीं अभी हमने बहुत से क्रिटिकल भाई से लर्न करने हैं सो so, आपने अपनी जर्नी लाइक स्टार्ट की माशाल्लाह इतनी मतलब अच्छे अच्छे लोगों के साथ कोलैब किया उनके साथ वर्क किया सम काइंड ऑफ़ एक्सपीरियंसेस ले सो so, राफिब भाई हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने जब इनिशियल स्टेजेस पे अपनी ये जर्नी स्टार्ट की सम काइंड टेक्निकल एस में आए क्योंकि राफिब भाई हम लोगों ने भी पाकिस्तानी जिस तरह मोस्टली ऑडियंस आपको भी पता है पाकिस्तानी है इंडियंस भी हैं हमारे साथ बैठे बेटी की ऑडियंस है सो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या आई स्किल से करते हैं ई कॉमर्स वाला सम काइंड ऑफ जो भी ऐसे पाकिस्तानी इदारे इनेबलर्स है एक्सट्रीम एस e जो भी आपको पता ही है पाकिस्तान में जो लोकल चलते हैं ब्रांडिंग के थ्रू ठीक है उनके थ्रू सभी ने एस सी यू की लेकिन वो जो इदारे हैं ना वो सम काइंड ऑफ एस सी एसयू करवाते राफे भाई ठीक है एक पर्टिकुलर uh, मतलब uh, थीम के ऊपर के यार आप लोगों ने ब्लॉगिंग करनी है या आप लोगों ने नीचे रिसर्च करनी है और अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है और एस उसी से ग्रो करना है ठीक so, है सो वो हमारा एक कंसेप्ट है कि एक पुराना रीति रिवाज जिसे कहते हैं कि हम लोगों ने वही लेके जाना है सभी ने वही लर्न करना और सभी ने वही वही सीख के ना मार्केट के अंदर एंटर होना ठीक है सो मैं आप भाई से मिला अराउंड मेरे ख्याल से 2020 के एंड पे आप भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया और समथिंग लाइक दैट मैं बुरी तरह फेल हुआ मुझे कुछ नहीं आता था उस रिगार्डिंग जो आपने भाई ने मुझे क्वेश्चन किए ठीक है ऑन द अदर हैंड फिर मैंने यार सीखा कि यार वाकई ही ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज ऐसी चीजें जिनको तो मैं जानते ही नहीं हूँ बिल्कुल ठीक है आल दो मैं काम कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी तो राफि भाई जब आपने अपनी टेक्निकल एस का आगाज किया तो आपने कौन से पॉइंट्स कहाँ से मतलब गेट किए और किस तरह ले के गए और किस तरह किन किन चैनल से सीखी अपनी एस सी ओ सो काइंडली वो थोड़ा ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि हमें भी कुछ इंसाइट मिले ताकि हम अपने एंड पे भी थोड़ा ग्रो कर सके जी टेक्निकल है स्पेशली यूं तो नहीं कि मैंने स्टार्ट uh, किया या कोर्स किया कि अभी मुझे सीखनी चाहिए ये जो टाइम के साथ साथ चीज़ें जो भी इशूज़ आते हैं गए हैं उनका सोलूशन ढूंढा कि उनको हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है भी सही या नहीं जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर मेटा डिस्क्रिप्शन का हमें वो ऑडिट वगैरह करवाते हैं ना कहीं से भी तो हमें कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी मिसिंग है या वन सिक्सटी प्लस जा रही है या वन ट्वेंटी कम है तो ठीक है ये एक इशू माना जाता है लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बिल्कुल भी ठीक है तो क्योंकि गूगल वगैरह इसको खुद ही पिक कर लेता है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप लिख भी लेते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन तो गूगल उसको खुद से चेंज कर देता है तो ये चीज़ें आ... जब टाइम के साथ साथ आप आ, करते रहते हैं तब आपको रिलेज होता जाता है कि आपने कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना या कौन सा काम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस को आप स्किप कर सकते हो तो ये चीज़ें हैं बाकी स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं था कि मैंने कहीं से सीखा हो या फिर कोई ऐसा किया हो बाकी टेस्ट वगैरह होते हैं रिसर्च होती है हाँ एक चीज़ है कि इंफ्लुंसर जो होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए उनसे हमें बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और स्टार्ट के डेज में मैंने काफ़ी ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह वे बहुत सारे अटेंड किए हैं गोरों के तो वहीं से चीज़ें सीखने को मिली हैं जो भी नई चीज़ सुनी उसके ऊपर रिसर्च कर लिया कि ये है क्या चीज़ हम इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं तो ये प्रोसेस टोटल सीखने का और इसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है कि आप किसी बंदे का कोर्स पकड़ लिया या कहीं से सीख लिया जी सो रफी भाई आप कुछ youtube चैनल सजेस्ट कर सकते हैं हमें सम काइंड ऑफ लर्निंग पर्पसेस के लिए जो आपने फॉलो किए हैं अपनी इनिशियल फेजेस के ऊपर टू बी ऑनेस्ट एसईओ मैंने youtube से बिल्कुल भी नहीं सीखी <laughs> और लिंक्डइन जो है और ट्विटर ये दो चीजें हैं ना जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो चीजें शेयर करते हैं वही चीजें रीड करें और उन्हीं को इंप्लीमेंट करके ट्राई करें तो राफे भाई आपने जब सीखी तो आपके पास तो मेंटोरशिप थी जिस तरह आपने ने बोला कि यार मेरे सर मेरे सर थे उन्हों, वो मुझे गाइड करते रहे काइंड ऑफ kind of, क्योंकि हम लोग तो न्यूबीज है हमारे पास तो उस काइंड की है नहीं तो हम लोग किस तरह वो देखेंगे क्या है कि यार हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया जो चीज इम्पलीमेंट की है वो एस सही जा रही है या हमें कोई पाथवे या अगर हम लोगों ने अपना चेक एंड बैलेंस रखना हो तो वो कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज करें मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैंने मेंटोरशिप वगैरह कैसे की तो ये 2018 एटीन नहीं सॉरी 2019 की बात है शायद तो मैं लिंक्डइन पे यू मैसेज करता लोगों को कि भाई जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से जैसी चीजें होती हैं तो उनमें एक बंदा मिल मिला मुझे आ, आज रेस्पस नाम है उनका तो उनका रिप्लाई आ गया उनसे मैंने बात की तो मैंने उनको ये बोला कि मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ तो आपको जो भी काम है मैं आपके साथ काम कर लेता हूँ तो इससे यह है कि मेरी लर्निंग वगैरह हो जाएगी तो उस बंदे ने हामी भर ली उसके साथ मैंने तकरीबन अभी तक चार साल लगाए हैं तो पहले चार पाँच महीनों में उसने मुझे एक रुपया भी नहीं दिया तो लेकिन <laughs> ये है कि उस बंदे ने मुझे सिखाया बहुत कुछ है और उसने बहुत सारा मटेरियल शेयर किया मेरे साथ भी ये चीज़ें रीड करो और इसको इंप्लीमेंट करो उसकी अपनी बहुत सारी वेबसाइट से जो मतलब टेस्टिंग लिस्ट उसने रखी हुई थी तो उसके ऊपर टेस्ट जो वो होता जो मतलब उसका प्लान था टेस्ट करने का इंप्लीमेंटेशन वो मुझसे करवाता तो ए बी टेस्टिंग होगी इस तरह की चीज़ें तो वो मैं उधर ही करता रहूँ तो उसके साथ ही काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं बेसिकली वही मैं है तो अभी भी उसके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह है काम भी कर लेते हैं कभी कभी आ जाता है तो उसके साथ तो यही प्रोसेस है अगर आप बिल्कुल न्यू बाइज हैं तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें पैसे के वाले से पैसे बाद में आ जाएंगे लेकिन सीख पहले लें कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें आप जिनके साथ आप काम कर लें सही गुड हो गया राफिब भाई अच्छा राफिब भाई फिर आपने ये आपकी माशाल्लाह इतनी लाइक सम काइंड ऑफ इंस्पायरेशनल जर्नी है आप लोगों ने इतने ब्रांड्स के साथ काम किया और एक एज अ वेब डेवलपर आप लोग यहाँ से इस फील्ड से आए सो राफिब भाई क्या टेक्निकल एसीयो में वेब डेवलपमेंट रोल प्ले करती है सम काइंड ऑफ हमें अगर हम एक बंदे ने बिल्कुल ही वो उसने वेब डिवेल्पिंग नहीं जानता तो क्या वो टेक्निकल एसी कर सकता है बिल्कुल इजीली कर सकता है इसमें आई वगैरह जो भी करना था आपने खुद थोड़ी करनी होती है उसमें आपने डेवलपर को गाइड करना है तो वही करेगा तो उसके लिए डेवलपमेंट का बैकग्राउंड होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है ओके okay. तो आप भाई अब आप माशाल्लाह इतनी ऐसी हो जानते हैं ऑलमोस्ट सेवन ईयर प्लस ईयर्स हो गए आपको ये काम करते तो आपका फ्यूचर प्लान क्या क्या आप अपनी कोर्स कोर्स लेके आएंगे मार्केट में सम काइंड ऑफ इस तरह के कुछ आ, अपने चैनल्स के ऊपर सेशंस या फ्यूचर में क्योंकि आप आप भाई भी आपकी बिजी लाइफ है ऑब्वियसली तो आपके पास भी टाइम नहीं होता लेकिन आपका फ्यूचर्स गोल्स क्या है कम्युनिटी को एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करने के लिए सो so, ये भी कहानी थोड़ा शेयर कीजिएगा फिलहाल कोर्स के हवाले से तो कोई भी प्लान नहीं है इन शाला ना ही कोई ऐसा प्लान करूंगा कि कोई कोर्स वगैरह लॉन्च करूं बाकी ये चीज़ कम्युनिटी uh, में इन रहता हूं मोस्टली और जो भी कोई uh, मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं वगैरह पूछते हैं तो जब टाइम होता तो मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े हैं जिनके सीन हुए पढ़े मैसेज विचारों को अभी रिप्लाई नहीं कर सका लेकिन मैं कर दूंगा और गोल यही है कि बस

हमें थोड़ा नॉलेज दीजिए वेबसाइट्स के वगैरह या सम काइंड ऑफ़ करती हैं जी राफि भाई जो आज का मेरा प्लान था ना टेक्निकल एस में आपको भी पता पूरा नहीं हो सकता लास्ट टाइम रामादान सीरीज में आप बिल, बिल्कुल आपने देखा होगा के तकर छः घंटे बोलना पड़ा है मुझे तो फिर भी बहुत सारी चीजें अभी हो गई थी ऐसी है तो आज का ये है कि मेरा प्लान था कि क्रॉलिंग और इंडेक्स भी करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही यही होता है तो जब तक पेजेस क्रॉल नहीं हो तो इंडेक्स नहीं होंगे इंडेक्स नहीं होंगे तो आपकी रैंकिंग नहीं आएगी तो सबसे जो मेजर इश्यूज हैं वो यही हैं तो हम इन्हीं को हाईलाइट करते हैं मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी जी हो रही है ना जी जी राफे भी हो रही है। अच्छा ये मैंने कुछ पॉइंट्स वैसे नोट कर लिए थे जी तो जी ताकि इनके ऊपर हम डिस्कस कर सकें तो से स्टार्ट करते हैं कि इश्यूज होते क्या हैं? पहले स्टार्ट देख लेते हैं करालिंग होती क्या है आपका कोई भी एक पेज है मिसाल के तौर पर मैं सर्च कर लेता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कोई भी रेंडा अमाउंट कर लेते हैं अच्छा ये मैंने पेज ओपन कर लिया है तो अब देखें करालिंग होती क्या है बेसिकली करिंग ना एक प्रोसेस होता है पहले सर्च इंजन की देख लेते हैं बात सर्च इंजन एक जो उस मिले कि एक वेबसाइट लगा लें या एक डाटा डाटा बेस लगा लें जो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनके पास डाटा इतना सेव होता है कोई भी बंदा कुछ भी, भी सर्च करता है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ शो करने के लिए उनके लिए उनके पास होता है अब वो जो डाटा शेयर करते हैं या शो करते हैं सर्च इंजन वो बेसिकली वेब पेजेस ही होते हैं तो डाटा शो होने के लिए वेब जो सर्च इंजेज होते हैं उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं एलोग्रिदम्स होते हैं तो जिनको हम बेसिकली बॉट्स बोलते हैं करालर बोलते हैं स्पाइडर बोलते हैं तो बहुत सारे टर्म्स इनके लिए यूज होती हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं करालर वगैरह ये आपके पेज को रीड करते आ, हैं ए टू जी सॉरी राफे एक... सॉरी टू तो इंटरप्ट यू

तो आपसे ये के ना तौर पे सॉरी ये किरण बिलाल को ना किक कर देते हैं आप ये उनकी वजह से ये बार बार हो रहा है ये होगा कहाँ से अब ये आप पार्टिसिपेंट्स में जाएं वहां पे सर्च करें किरण हाँ उन्हें किक कर दें हो गया ओके थैंक यू अच्छा जो क्रॉलर्स होते हैं बेसिकली वो आपके पेज पे आते हैं ठीक उस पे देखते हैं कि आपके पेज जो है इसके अंदर है क्या चीज़ जैसे मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है कोई रोड्स टेक के नाम से या कोई वेबसाइट तो क्रॉलर देखेगा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या डाटा शो हो रहा है यूजर्स को क्या शो करवाना है मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि क्रालर ने स्टार्ट कर लिया इस पेज को क्रॉल करना तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपका जो भी आपका पेज के ऊपर सबसे जो पहला इंटरनल लिंक होगा वो उसको देखेगा जैसा यहाँ पे होम पेज का है ठीक है तो इनको क्रॉल करेगा ये सब पेजेस को क्रॉल करके लिंक्स वगैरह को फिर आपके बॉडी में आ जाएगा ठीक है ये जो बॉडी है यहाँ पे देखा गया कि क्या लिखा हुआ है तो ये जैसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स लिखा हुआ है तो इसको रीड कर लेगा अपने पास स्टोर कर लेगा कि मैंने एक पेज क्रॉल किया है पेज का यू आर वाला है ठीक है उसके अंदर जो मैंने कंटेंट देखा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है या जो भी मतलब एक डाटा सेव कर लिया उसने तो ये चीज़ यूँ क्या कहते हैं स्टेप बाई स्टेप क्रॉल करता जाएगा ये स्क्रीन ब्लैंक आ रही है मेरे पास आ, हमारे एंड पे भी आई थिंक ये उनकी वेबसाइट कई कोई है उन्होंने डाला ही नहीं है नीचे कौन आप अगेन चेक कर लें माइट भी कैश का ना कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक हो गया अच्छा करालर जब आपके पेज पे आता है तो वो आपके पेज के ऊपर ए टू जी जो जितना भी कंटेंट होता है जो भी आपके बॉडी में डाटा होता है वो सबको स्टोर करने की कोशिश करता है रीड करने की कोशिश करता है ठीक हो गया तो इस दौरान वो क्या करता है कि जो जो चीज़ रीड करता जाएगा उसको अपने कैश में सेव करता जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो आपके इस पेज पर पे वो दोबारा आए तो उसको आइडिया कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है यार ये कोई बंदा डिस्टर्ब कर रहा है

पेज के ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा जितना भी इमेजेस होंगे या जो भी मतलब आपके पास शो हो रहा है उसको वन बाय वन रीड करता जाएगा और स्टोर करता जाएगा अब यहाँ पे इशू आ जाते हैं लोगों को करालर्स को कि जैसे उसने कोई चीज़ रीड की है मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप रीड कर लिया है ठीक हो गया तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखे लिंक आ गया जैसे व्यू यू आर लैपटॉप तो यहाँ पे वो देखेगा कि ये जो लिंक है ये एक्सेसिबल है या नहीं है अगर एक्सेसिबल है तो उसको रीड कर लेगा वरना इसको छोड़ देगा उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट पे देखेगा कि वहाँ पे एक, आ, सिंपल आ, क्या कहते हैं कि डाटा है या ज़रा जवासक्रिप्ट या कोई फैक्ट्स वगैरह एनिमेशन वगैरह जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उन चीज़ों को रीड करता है तो जहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो ईज़िल रीडेबल नहीं होता फॉर क्रॉलर्स ठीक है तो गूगल क्रॉलर्स के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है क्रॉलिंग करने के लिए रीडिंग करने के लिए वो कहता है कि सिंपल हमारे पास एच या सी में डाटा होना चाहिए तो जितना इजी आपका वो होगा पेज मतलब लोड होने में या फिर रीड करने में क्राल्स के लिए उतना इजी वो उसको क्राल करेगा जितना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट्स होंगे जितने ज़्यादा उसके ऊपर आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे जबास्क्रिप्ट वगैरह या कोई और लैंग्वेज तो उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी क्रॉलर्स को क्योंकि करालर जो होते हैं जब जवासक्रिप्ट पे आते हैं तो डाटा वहाँ पर हिडन होता है तो वो उसके लिए रीडेबल नहीं होता वो उसको स्किप कर देता है फिर नेक्स्ट मूव कर जाता है या फिर वहीं से बैक होकर किसी और पेज पे, पे चला जाता है जो भी उसको रिलेमेंट साथ में लिंक वगैरह मिल जाता है इंटरनल लिंक ठीक है तो ये बेसिकली क्रालेंग होती है तो इसी बेस पे ही आपका डाटा गूगल पे जाके शो होता है आपके पेजेस इंडेक्स होते हैं पहले क्रॉल होता है क्रॉल करने के बाद उसको गूगल क्रॉलर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं कि ये जो इसने पेज बनाया हुआ है इसके ऊपर जो डाटा पड़ा है क्या वो, वो हेल्पफुल है या नहीं है अगर ये हेल्पफुल होता है तो इसको इंडेक्स में डाल देता है अगर हेल्पफुल नहीं होता है इसको वापस क्यू में डाल देता है क्रॉलिंग क्यू में ठीक है या इसको फिर पेंडिंग में रख लेता है कि इसको मैं बाद में फिर कभी क्रॉल कर लूँगा इस सेंस में तो ये बेसिकली क्रॉलिंग डेक्सिंग होती है अभी इसमें हम डीप नहीं जा रहे हैं पहले हम अपना डाटा जो भी हमने बनाया उसको रीड कर लें फिर हम इसके ऊपर आएंगे ये तो बेसिक एक बताया कि क्रॉलिंग होती क्या है अच्छा क्रॉलिंग जो होती है उसके बाद आपके जो पेज है जो इसको बेसिक इशूज़ आते हैं क्रॉलर्स को आपके पेज पर आया तो वहाँ पर उसने लिंक्स लगे होते हैं जो आपके इंटरनल लिंक्स उसको देखता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते मिसाल के तौर पर आपने एक लिंक लगा रखा है जो कि ब्रोकन है तो करालर आपके पेज पे आया उसने एक एंकर देखा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप वहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है जो उस पेज पे जा रहा है लेकिन वो ब्रोकन है गूगल वहाँ से जाएगा उस पेज पे ठीक है लेकिन उसको ब्रोकन मिलता है तो गूगल करालर क्या होता है फिर वापस आ जाता है तो उसको जो आपके पास इश्यूज आ रहे होते हैं नड फोन के वहाँ पर डाल देता है तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट समेलें कि आप इशू है जिसको आपने फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है इसके अलावा रिड्रैक्स वगैरह होते हैं वो इस उसमें यह सीन होता है कि क्रॉलर आता है आपके पेज के ऊपर वहाँ पे लिंक देखता है जैसे वो एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट वाले की बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का एक एंकर लगा हुआ है उसके ऊपर लिंक लगा रखा है लेकिन जब क्रॉलर वहाँ पे जाता है तो वो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे नहीं जा पाता उसके अलावा वो उसको आगे एक और पेज पे भेज देता है वो आप एग्जाम्पल लगा लें किसी कोई भी रैंडम पेज लगा लें या कोई ब्लॉग लगा लें जो कि रिडायरेक्ट हो रहा था किसी और पेज पे तो यहाँ पे जो क्रॉलर होता है वो ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है वो कहता है कि भाई यहाँ पे मैं गया हूँ उसने मुझे भेजा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप वाले पेज है लेकिन जब मैं वहां पे गया हूँ तो वहां पे वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला वो कहता है भी आप अगले पेज पे चले जाओ या फिर उससे भी अगले पेज पे चले जाओ ठीक है तो ये रिडराइटिंग होती है तो ये स्लो पोजन होता है बेसिकली तो क्रॉलर इस पेज पे इस टाइप के जो इशूज़ होते हैं वहां पे यू मतलब अम लैंग्वेज में गुस्सा कर जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे उसको ज़्यादा इश्यूज आते हैं फोर फोर से भी ज़्यादा तो इस पेज को तो वो कभी भी नेक्स्ट पेज को क्रॉल नहीं करता या फिर इंडेक्स नहीं करता ठीक है उसको स्किप कर देता है उसके अलावा एक और इशू हो सकता है क्रॉलिंग के अंदर वो होता है ब्लॉक बाय रोबोट्स तो उसमें ये सीन होता है कि आपने आ, कुछ पेजेस को ब्लॉक किया होता है रोबोट्स के अंदर कि आपने इनको क्रॉल नहीं करवाना वो आपके सिक्योर पेजेस होते हैं अगर आप ई e कॉमर्स में हैं तो आपके कार्ट वाला पेज हो गया आपका लॉग इन यूज़र लॉग इन साइनअप इस टाइप के जो पेजेस होते हैं या पेमेंट्स वगैरह वाले वो सिक्योर पेजेस होते हैं उसको आपने क्रॉल नहीं करवाना होता है आपने उसको ब्लॉक रखा होता है लेकिन क्या होता है इस टाइप का आपका कोई लिंक लगा होता है किसी पेज के ऊपर जो क्रॉल मतलब एक पेज गूगल क्रॉल कर रहा है तो वहां पे आपने लिंक लगा दिया है उस पेज का जो पेज आपने क्या किया हुआ है ब्लॉक तो गूगल क्रॉलर जो होते हैं वो देखते हैं कि यार इस पेज ने इस बंदे ने यहाँ पे लिंक लगा रखा है इसको क्रॉल करवा रहा करवाना चाह रहा है लेकिन ये क्या है ब्लॉक है तो उसकी भी क्रॉलिंग रुक जाती है ठीक है तो ये भी एक इशू आता है क्रेलिबिलिटी के अंदर उसके अलावा इनकोरेक्ट कैनोनिकल टैग्स लाइक आपने एक पेज बनाया हुआ है ठीक है करालरस के ऊपर आया लेकिन वहाँ पे आपने क्रॉनिकल टैग लगा दिया किसी और पेज का तो जो करालर है वो तो उसको स्किप करते उस पेज पे चले जाते हैं जिसका आपने क्रोनिकल टैग लगाया होता है लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जिस पेज का क्रोनिकल टैग लगाया होता है वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता या वो रिडायरेक्ट हो रहा है या वो फोर ओ फोर है या उस पर सर्वर एरर आ रहा है उस पेज के ऊपर या वो फॉरबिडन है तो इस टाइप के पेजेस को भी गूगल जो है वो क्रॉलिंग स्किप कर देता है छोड़ देता है तो उसके अलावा ऑर्फन पेजेस औरफन पेजेस जो होते हैं वो पेजेस करा लेने होते हैं क्योंकि जो क्रालर होता है वो आपके पेजेस को डायरेक्टली करा नहीं करता वो पेज टू तो पेज मूव करता जाता है क्राल करता जाता है और जिस पेज को कहीं से भी इंटरनल लिंक नहीं मिला होगा तो गूगल उसको कराल नहीं करेगा ठीक है तो ये बेसिकली जो तीन चार मेन इश्यूज हैं की वो मैंने हाईलाइट की हुआ यहाँ पे उसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं डुप्लीकेट कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट का बड़ा सीरियस uh, मसला होता है वो ये होता है कि आपने मल्टीपल पेजेस क्रिएट किए हैं तो सिमिलर कंटेंट होता है ऑन मल्टीपल पेजेस तो वहाँ पे क्रॉलर क्या करता है अब देखें मैं आप एग्जांपल दूँ एक जे पेज है एक जे पेज है सेम वेबसाइट है ठीक है आप इसको सपोज कर लें तो क्रॉलर आया उसने यहाँ पे रीड किया कि यहाँ पे उसने बात की हुई है गेमिंग लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप की उसमें कोई एक एग्जांपल ले लें किसी एक लैपटॉप का नेम ले, ले लिया उसने तो उसमें जो uh, लिखा हुआ है

कहाँ पे थे uh, हम लोग डुप्लीकेट कंटेंट की बात कर रहे थे लैपटॉप्स के ऊपर तो क्रॉलर देखते हैं कि एक जो उसने रीड किया है डाटा या कंटेंट वगैरह सेम या उससे मिलता जुलता एक और पेज पे भी है तो यहाँ पे क्रॉलर क्या होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैंने किस पेज को इंडेक्स करवाना है और किसको नहीं करवाना मतलब किस पेज को प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं देनी तो इस टाइप के जो सीन होता है उसमें भी क्रॉलर दोनों पेजेस को स्किप करते दोनों को क्रॉल नहीं करता क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि मैंने किसको प्रायोरिटी देनी है किसको इंडेक्स करवाना है तो यहाँ पे वो कन्फ्यूज़ होकर क्रॉलिंग स्टॉप कर देता है डुप्लीकेट कंटेंट के सीन में उसके बाद एच टी टी पी और एच टी पी एस अब ये देखें अब यही पेज है ये पेज ठीक है ये एच टी टी पी एस में लोड हो रहा है तो टाइम ऐसा होता है कि आपका जो सर्वर होता है वहाँ पे आपकी रिट्रैक्शन वगैरह सेटअप नहीं होती तो आपके जो पेजेस होते हैं वो डिफरेंट वर्जन में लोड हो रहे होते हैं मिसाल के तौर पे अगर इसमें मैं एच डी टी पी रिमूव कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा एच टी पी एस पे तो इन केस अगर ये लोड नहीं होता ठीक है आपकी सर्वर में इश्यूज़ है आपने रिड्रैक्शन वगैरह प्रॉपर सेटअप नहीं की हुई डोमेन वगैरह की तो वहाँ पे क्या होता है ये पेज अलग से लोड हो, हो जाएगा विदाउट एस और ये एच टी टी पी एस में लोड हो रहा है तो दोनों पेज बेसिकली सेम ही है ठीक है जस्ट आ, क्या है यूरअल चेंज हो रहा है एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के हवाले से बाकी हर चीज़ के ऊपर सेम पड़ी है तो इस केस में भी क्रॉलर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो इस के, इस केस में भी जो करालर होते हैं वो आपकी कराले को स्किप कर देते हैं तो ये भी क्रेडिबिलिटी का एक इशू हो जाता है डुप्लीकेशन में और उसके अलावा सेम आपके लिए वही डब्ल्यू डब्ल्यू और नॉन डब्ल्यू तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा लगा देते हैं तो आपका एक पेज है वो आपके डब्ल्यू डब्ल्यू वाला वर्जन है और एक विदाउट डब्ल्यू वाला है ठीक है दोनों लोड हो रहे हैं और रिडायरेक्ट नहीं हो रहे किसी भी स्टैंडर्ड जो भी आपका वो होगा यू आर एल वेबसाइट का तो दोनों डिफरेंट लेवल्स पे लोड हो रहे हैं तो जैसे वही एग्जांपल सेम एच HTTP और एच टी डी पी सेम है पेज सेम है जस्ट वो एस एस का इशू जैसे हो, हो गया तो लोड नहीं हो रहा सॉरी लोड हो रहा है और सेम चीज़ें हो रही हैं और रिटेक्ट नहीं हो रहा सेम फॉर डब्ल्यू तो ये भी वही चीज़ है तो वहीं पे डाटा वगैरह सब कुछ सेम ही होता है अगर आपका ये डिटेक्ट वगैरह नहीं हो रहा था किसी भी एक स्टैंडर्ड यूर एल पे तो यहाँ पे भी कर, 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 क्रालर जो होता है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और आपकी इस क्रालिंग को स्किप कर देता है अगर करेगा भी एक को कर लेगा और जो हो सकता है आपके जो रॉन्ग पेज है मतलब अगर आप स्टैंडर्ड जो है आपका वो नान डब्ल्यू वाला है तो उसको कराल नहीं करेगा एक्जाम्पल दे रहा हूँ और डब्ल्यू डब्ल्यू वाले को क्राल कर लेगा जबकि आपकी प्रोटीन की होती नान डब्ल्यू वाली तो यहाँ पे भी क्रालर रॉन्ग क्रालिंग कर लेता है या उसको स्किप कर देता है तो ये सारी करालिंग की चीज़ें हैं अच्छा क्रॉलिंग हो गई है आपकी किसी भी हाल में चाहे आपके इशूज़ आए हैं या नहीं आए उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इंडेक्सिबिलिटी तो जिसमें जो प्रॉब्लम अच्छा जो पेज क्रॉल हुआ है उसके ऊपर क्रालर देखते हैं कि भाई आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है आपका जो कंटेंट है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है यूज़र्स को तो इस टाइप के पेजेस को वो क्रॉल कर देता है सॉरी इंडेक्स कर देता है अगर इंडेक्स नहीं होते तो उसकी कुछ रीज़न होती हैं तो वो आपका पुअर कॉन्टेंट हो सकता है ठीक है उसके अलावा आपके इंटरनल लिंकिंग हो सकती है इस टाइप की चीज़ें एक सेकेंड ये म्यूट कहाँ से होगा गाइज यार जो बंदा अभी यहाँ पे बैठा हुआ है काइंडली जिसके भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह ना हम लोग एंड पे जो दस मिनट्स हैं वो आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेंगे सो so वेट करें और लेक्चर को समझने की कोशिश करें इस तरह के प्रीमियम टॉपिक्स आपको बार बार नहीं मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर भी और कहीं पे भी ऊपर ठीक है और इन यार मेरे पे ऊपर एक्सेस नहीं है उसकी क्या नाम है एडमिन की वरना मैं खुद कर देता राफे भाई के पास है सो so, माइट उन्हें नहीं पता कि किस तरह ही करनी है सो so, आप यार सेशन या, इन्जॉय करें और इस तरह साथ होगा राफी भाई को एक्सेस दी है इनशाला वो प्रैक्टिकल भी करेंगे जी जी अभी भी इश्यूज आपको ओवरव्यू दे रहे हैं जी राफी भाई जी हम डिस्कस कर रहे थे आ, हमारी क्रॉलिंग हो गई थी इंडेक्सी इंडेक्सिंग पे हम आ चुके थे कि हमें कहाँ पे इंडेक्सेबल जो होते हैं वहाँ पे हमें कहाँ पे इशूज आ सकते हैं तो समाइम ऐसा होता है नो इंडेक्स टैग मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होता है और लोगों को इतना फुल आइडिया नहीं है इसके अबाउट करालेंग एंड इंडेक्सिंग ठीक है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं ठीक ओके उसके बाद मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ये आप देख लें करालेंग और इंडेक्सिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं सेम फार साइट मैप एंड रोबोट्स वो भी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो कहते हैं कि यार हमारे पेजेस नो इंडेक्स हैं तो वो कहते हैं कि ये शायद रोबोट्स की वजह से है या फिर वो कहते हैं कि हमारा पेज नो इंडेक्स है और ये क्या कहते हैं रोबोट्स ने क्र ब्लॉक कर रखा है या फिर वो मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन उनको ये आती है कि साइट मैप और रोबोट्स एक ही चीज़ें हैं तो अगर हमने रोबोट से क्रालिंग रोक दी है तो सॉरी अगर हमने साइड मैप को साइड मैप से इंडेक्सिंग रोकनी है तो वो कहते हैं कि हमने इसको क्रॉल रोबोट्स में डाल देना है क्रॉलिंग रोकने के लिए इंडेक्सिंग रोकने के लिए तो ये आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ क्रालिंग वो होती है जहाँ पे पेजेस जो क्रालर्स होते हैं वो के पेजेस को क्राल करते हैं और वहाँ पे डिसाइड ये नहीं करते कि इसको इंडेक्स करवाना या नहीं करवाना जो ये डिसाइड डिसीजन होता है वो आता है आपके साइड मैप के ऊपर ठीक है अगर आपने पेज को इंडेक्स किया हुआ है इंडेक्स का टैग लगा रखा है तो आपके साइड मैप में ऐड हो जाएगा इसका मतलब यह है कि वो पेज इंडेक्स होगा अगर आपने नो इंडेक्स लगा रखा है तो वो पेज आपके साइड मैप में ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इसका मतलब यह है कि वो पेज आपका इंडेक्स नहीं होगा ठीक है तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है साइड मैप और रोबोट्स के अंदर और क्रालिंग और इंडेक्सिंग के अंदर तो आपकी क्रालिंग वगैरह हो चुकी है ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पेज क्राल हुआ है वो इंडेक्स हो जाना हो ठीक है क्योंकि जो कराल होती है वो एक डिफरेंट चीज़ है इंडेक्स डिफरेंट चीज़ है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो बड़ी होती है वो यही होता है कि हमारा पेज कराल हो रहा है इंडेक्स नहीं हो रहा है कराल हो रहा है इंडेक्स नहीं हो रहा ठीक है तो वो ये चीज़ होती है कि अगर आप उसको इंडेक्स का टैग लगाएंगे तो इंडेक्स होगा नो इंडेक्स का लगाएंगे तो नो इंडेक्स हो जाएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपका पेज जो है वो कराल हो गया है उसके बाद इंडेक्स होता है या नहीं होता उसकी डिफरेंट रीजन होती हैं हो सकता है अपने वहाँ पे नो इंडेक्स टैग लगा रखा हो वो पेज तो आपका क्रॉल फिर भी होगा नो इंडेक्स टैग लगाने से आपकी क्रॉलिंग नहीं ब्लॉक होती नो no इंडेक्स लगाने से आपका पेज फिर भी क्रॉल लाजमी होगा लेकिन इंडेक्स नहीं होगा ठीक है तो हो सकता है अपने कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपने ब्लॉक नहीं किए हुए रोबोट्स में लेकिन फिर भी आपका इशू आ रहा होता कि यार ये मैंने ब्लॉक भी नहीं किया हुआ रोबोट्स में लेकिन ये फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहे तो उसकी रीज़न हो सकता है कि आपने वहाँ पे नो no इंडेक्स का टैग लगा रखा हो ठीक है ये ध्यान में रखना है तो आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं आपने चेक करना है उनके ऊपर कि अगर वो कराल हो रहे हैं और इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे तो उसकी रीज़न देख लेनी है उसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है क्या हो सकता है आपने वहाँ पर नॉ इंडेक्स का टैग लगा रखा हो ठीक है ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है तो जो नॉन इंडेक्स टैग होता है वो आपने हर पेज पे नहीं लगाना होता ये ध्यान में रखना है और जो पेज ब्लॉक करना होता है हर पेज को भी ब्लॉक नहीं करना था उसके भी स्पेशल केसेस होते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम रोबोट्स में बताया था कि जो पेजेस आपके सिक्योर होते हैं लाइक like आपके कार्ट वाले पेज आपके शॉपिंग वाले पेजेस आपके पेमेंट्स वाले पेजेस यूजर्स लॉग इन यूज़र साइनअप और जो आप लॉगिन अपना एडमिन वगैरह को लॉगिन साइनअप करते हैं इस टाइप के जो पेजेस होते हैं इनको हमने ब्लॉक करना होता है हर हाल में अगर आप इनको ब्लॉक नहीं करते तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेज होंगे जैपनीज़ अटैक होने का ठीक है तो जैपनीज अटैक एक ये भी रीज़न होती है कि आपने अपने इस तरह के जो सिक्योर पेजेस होते हैं उनको अपने क्रॉलिंग पर लगा रखा होता है और दूसरी चीज आप अपने किन पेजेस को आ, नो इंडेक्स करवाना होता है जब आप पे डिपेंड करता है मोस्टली ये पेजनेशन जो होती है प्रोडक्ट्स की वो नो इंडेक्स होती है इसके अलावा आपका जो इस टाइप के पेजेस होते हैं लाइक टैग्स ठीक है जो आप टैग्स वगैरह लगा रहे होते हैं उनको भी नो इंडेक्स करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस है उसके अलावा अपने किन पेजेस को नो इंडेक्स करवाना होता है लाइक आपका एक पेरेंट पेज है सर्विसेज के नाम से तो उसके पैर आपका सब पेजेस हैं एस की सर्विस हो गई आ, उसके अलावा राइटिंग की सर्विस होगी सोशल मीडिया की होगी जो आपका सर्विस वाला मेन होगा तो वो आपने अक्सर देखा वो जस्ट क्रिएट कर लेते हैं सर्विस के लिए ताकि हम उसके सब पेज बना सकें लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता इस टाइप के पेजेस को भी आपने नो इंडेक्स करना होता है ठीक है अगर सर्विस वाले पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कहाँ कहाँ पर नो इंडेक्स वगैरह लगाना है उसके बाद इनकोरेक्ट एक्सएमएल साइट मैप साइट मैप के आपको एक मेथ बता दूं कि साइट मैप ऐड करना ज़रूरी नहीं होता ठीक है अगर आपकी वेबसाइट संभाल है अगर आपके पेजेस जो हैं वो कोई दस हज़ार पेजेस तक की आप अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे अगर आप एम साइट मैप ऐड नहीं करते तो वो भी कोई इशू नहीं है ठीक है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा आपके लिए जो साइट मैप होता है वो रिक्वायर्ड होता है मोर देन टेन थाउजेंड वेबसाइट्स के लिए तो इस बात को जहन से निकाल दें कि अगर हमने साइड मैप ऐड नहीं किया तो हमारे पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे हमारा ये नहीं होगा हमारा वो नहीं होगा तो इस टाइप के कोई भी इशूज़ आपको नहीं हो सकते ठीक है तो इनको एक्सम साइड मैप का इशू क्या होता है समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक पेज को करा लें किस के लिए ब्लॉक कर रखा है लेकिन उसके जो मेटा रोबोट्स है वहाँ पे आपने इंडेक्स फॉलो कर दिया है या फिर इंडेक्स नो फॉलो कर दिया है तो वहाँ पे आपका टैग लग गया इंडेक्स का ठीक हो गया तो जब इंडेक्स का टैग लग जाता है वो पेज आपके साइड में हमें आ जाता है जबकि उसकी क्रॉलिंग आपने ब्लॉक की हुई थी तो यहाँ इस टाइप के पेजेस भी आपके इंडेक्स नहीं होते उसकी बिला बाद है इनफिनाइट क्रॉलिंग लूप्स अगर सर आपने देखा होगा कि अगर आपकी कलेक्शन वगैरह ओपन करते हैं किसी वेबसाइट पर तो वहाँ पर पे पेजनेशन की जगह पर वो लोड मोर होता है तो वो पेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोड होना शुरू हो जाती हैं फिर आप स्क्रॉल करते हैं फिर नीचे लोड मोर आ जाता है फिर वो प्रोडक्ट्स लोड होती हैं ठीक है उसके बाद फिर लोड मोर का वो आपके पास बटन आ रहा होता है यहाँ पे मतलब इसको बोलते हैं इन्फीनाइट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पेजिनेशन तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉटम पे प्रोडक्ट्स आ रही होंगे या बॉटम पे आपके जो लिंक्स वगैरह होंगे प्रोडक्ट्स के वो फॉलो नहीं हो रहे होते वो इंडेक्स क्रॉल नहीं हो रहे होते तो इस टाइप की चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है तो ये सारी हैं जो आपकी क्रॉलिंग इंडेक्सिंग में इशूज़ करती हैं आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी

फॉर्बिडन पेजेस हो गए ब्रोकन पेजेस हो गए इस टाइप के जो पेजेस होते हैं वो वाकई टॉक्सिक होते हैं क्रॉलर्स के लिए तो उनको यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अब देखें अब मिसाल देता हूँ आपको आपको अहमद भाई भेजते हैं एक बंदा एक बंदे को भेजते हैं कि जाओ पाँचवा जो, जो दरवाज़ा है वो जाके नॉक करो वहाँ पे आपको राफ़ी मिल जाएगा तो आप आते हैं पाँचवा अहमद भाई के कहने पे पाँचवाँ जो डोर होता आप है आप नॉक करते हैं वहाँ से आपको राफ़ी नहीं मिलता कोई भी नहीं मिलता मतलब वो खाली पड़ा होता है तो आप खुद सोचा आपको गुस्सा आएगा कहमद भाई पे कि अभी मुझे इस बंदे ने यहाँ पे भेज दिया हमारे पे तो कोई भी नहीं है तो सेम केस होता है करालर्र्स के साथ आपने ना लिंक लगा रखा है लेकिन वो किसी ब्रोकन पेज का है तो वहाँ पे जाता है करालर मूव करता है उस पेज पर पे, जो आप ब्रोकों तो फिर वहाँ पर उसको गुस्सा आ जाता है तो फिर वो वापस आ जाता है ठीक है तो ये चीज़ आपकी डिस्टर्ब करती है करालर्र्स को उसके बाद रीड्रैक्ट्स हैं ये भी मल्टीपल टैप्स के होते हैं थ्री ओ वन है थ्री ओ टू है थ्री ओ सेवन है तो रिडायक्ट में ये सीन होता है कि आपने एक इंटरनल लिंक लगाया हुआ है एक पेज का करालर वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भई मैं यहाँ से मूव हो गया हूँ दूसरी जगह पे तो वहाँ पे फिर करालर जो है वो वहाँ पे चला जाता है ठीक है तो यहाँ को चक्कर पड़ जाते हैं तो करालर जब इस तरह के चक्कर पड़ते हैं तो वो तंग हो जाता है तो वो आपकी जो नेक्स्ट पेजेस होते हैं जो रिडाइक्ट हो रहे होते हैं उनको कराल नहीं करता उनको स्किप कर देता है रियल टाइम में मैं आपको एग्जांपल देता तो अहमद भाई कहते हैं आपको कि भाई जाओ जो रूम नंबर टू है वहाँ पे आपको राफ़े मिलेगा आप आते हैं मेरे पास तो यहाँ पे आपको एसन मिल जाता है एसन को होता है बोलता है कि नहीं भाई आप यहाँ से छोड़ें आप रूम नंबर फ़ाइव में जाएं वहाँ पे आपको राफ़े मिलेगा तो फिर आप चले जाते हैं रूम नंबर फ़ाइव में वहाँ पे आपको राफ़े नहीं मिलता वहाँ पे आपको बशीर मिल जाता है ठीक है तो मतलब आपको एक चक्कर पड़ गया है तो आप खुद सोचें जब आपको इस तरह के आप आ, लोग आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर भेज रहे होते हैं लेकिन आपको वो डेस्टिनेशन नहीं मिल रही होती तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं छोड़ो दफा करो मैं वापस आ रहा हूँ तो सेम फॉर क्रॉलर्स तो उसको भी जब आप एक डेस्टिनेशन प्रॉपर नहीं देते आप उसको चक्कर लगवाते हो रि करवाते हो मल्टीपल पेजेस पे तो उन पेजेस को छोड़ के वाप गूगल वापस उस उसी पेज पर पे रिटर्न हो जाता है उन सबकी क्रालिंग स्किप कर देता है सेम चीज़ सर्वर एरर फाइव एक्स एक्स तो ये भी वही चीज़ है तो सर्वर नहीं मिलता मिसाल के तौर पर अगर आपने बोला है अगर आपने आपको बोलते हैं अहमद भाई के जाओ रूम नंबर टू में वहाँ पे आपको राफ़ी मिल जाएगा आप जाते हैं रूम नंबर टू वहाँ पे होता ही नहीं है ठीक है तो आप आके अहमद भाई पे गुस्सा करते हैं यार बारे मुझे काम भेजते हैं हमारे पर तो कुछ है ही नहीं तो यही चीज़ होती है सर्वर के अंदर तो जब सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता क्रॉलर एक पेज को क्रॉल करने के लिए आता है तो जब उसको क्राल करने के लिए आता है तो वो पेज क्या होता है रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता सर्वर तो उसके स्किप वहाँ पे क्रॉलिंग उसकी स्किप करके नेक्स्ट मूव कर जाता है उसके बाद एच मिसिंग तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये जो आप बोलते हैं कि आपने अपने की वर्ड को हेडिंग में डालना है पैराग्राफ में डालना है पांच बार ऐड करना है छह बार ऐड करना है तो ये सारी चीजें फजूल हैं यूजलेस हैं क्योंकि गूगल अभी इतना स्याणा हो गया कि उसको आपकी जो एच वन होती है ना हेडिंग वहीं से आइडिया हो जाता है कि आपका जो पेज है वो किसके अबाउट है इस पेज के अंदर है क्या चीज ठीक है तो इसलिए जो एच है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है आपका तो आपने आपको कोई भी ऐसा पेज नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपके एच वन यूज़ ना हो रहा हो आपने हर पेज के अंदर अपनी एच वन लाजमी लगाना है क्योंकि गूगल जो है वो आपकी पेज की कॉन्टेक्स्ट है वो आपकी एच वन से ही आइडेंटिफाई करता है उसके बाद डुप्लीकेट एच वन अब देखें आपके दो पेजेस हैं ए, आपका एक पेज है एबीसी बी आपके एक और पेज है एक्स वाई जेड तो आपने एच वन लगा रखा है एबीसी एबीसी वाले ही पेज पे सेम आपने एबीसी बी एच वन लगा रखा है एक्स वाई जेड वाले पेज पे तो गूगल यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ पे इसने ए बी सी एच वन यहाँ भी लगाया हुआ है वहाँ भी लगाया हुआ है तो मैं आ, किस को पिक करना है ठीक है तो यहाँ पे भी आपका आ, ये बड़ा एक सीरियस इश्यू होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एच वन ही सब कुछ होता है आपका जहाँ से गूगल को पता लगता है कि आपके पेज के अंदर क्या चीज़ है जब आप सेम आ, जो आपके एच वन है मल्टीपल पेज पर पे यूज़ करेंगे तो गूगल वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा आपके भी किसी भी पेज को प्रोटीन नहीं देगा उसके बाद मल्टीपल एच वन आपका वही पेज है एबीसी वाला तो वहां पे आपने एच वन ए यूज कर रखा है फिर उसके बाद आपने एक एच वन लगा रखा है वहां पे आपने डी ई एफ लगा रखा है एक और एच वन आपका वहां पे आपने एक्स वाई जेड लगा रखा है तो गूगल ने आपकी पेज की जो इंटेंट है वो समझनी है एच वन से तो यहाँ पे आपके एच वन दो से तीन हो गए हैं तो गूगल फिर खुद परेशान हो जाएगा कि मैंने किस ये जो मतलब बात कर रहा है इसमें कौन सा एच वन है जो इम्पोर्टेंट है और किस और किस एच वन से मैंने अपना डाटा पिक करना है तो ये चीज़ें अपने हर हाल में देखनी है उसके बाद आपका है ट्रेलिंग नॉन ट्रेलिंग स्लैश ये आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहीं से देख लेते हैं बस वैसे तो लोड होगा यहाँ पे देखें जहाँ पे आपका पेज एंड हो रहा है ना तो वो आपका यहाँ पे आपका पाथ एंड हो रहा है यूरल एंड हो रहा है तो अगर मैं इसको विजिट करता हूँ लोड करता हूँ ठीक जैसे मैंने अभी इस पेज को लोड कर लिया है क्या हो गया अच्छा है यहाँ पे मैंने एच वो लगाया हुआ है मिस्टेक आई थिंक uh, कोई उनकी डोमेन के सर्वर का एरर है चेक कर लें जरा नहीं वो डब्ल्यू डब्ल्यू वाला लोड नहीं हो रहा है इनका देखिए इनका भी इशू है ये वाला तो बस आप इन्हें इस वेबसाइट को रीच आउट कर लेना सब लोगों ने ठीक है <laughs> <laughs> कि भी आपका ये बड़ा बड़ा मसला आ रहा है आपका ठीक है अच्छा खैर अच्छा आप देखें मैंने यहाँ पे देखें एंड पे ना स्लैश आ रहा है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्लैश जहाँ पे आपका यूरल एंड हो रहा है तो ये आपने डिफाइन डिफाइन ख़ुद से करना होता है कि आपने ट्रेलिंग स्लैश को रखना है या नहीं रखना अगर आपने रखना है तो आपके हर पेज पे होना चाहिए अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके किसी पेज पर पे भी नहीं होना चाहिए अच्छा तो अब देखें ये चीज विद्रेलिंग स्लैश है और ये विदिंग स्लैश है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दू ये और पेज है ये और पेज है भाई इसको ना मैं आपको एग्जांपल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गूगल पे हर्ट मेडिकल ये मेरे आई थिंक कोई ना

डोंट नो क्या कितना टाइम भी ले रही हाँ यहाँ पे राफे भाई आप कोई खोलेंगे ना कलेक्शन पेजेस या कुछ भी सो so, वहाँ पे एरर uh, नजर आएगा ताकि इनको पता चल जाए कि एक्चुअली में क्या चीज़ है हाँ यहाँ पे खोल लें कुछ भी स्लैश यूज uh, नहीं कर रहे हैं पे तो अगर मैं इसको सॉरी नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं फिर लोड करके देखते हैं अब ये लोड हो गया अब देखें ये सही एग्जांपल दिया आपने अब देखें ये पेज है जो इनका स्टैंडर्ड वर्जन है ना वो एंड पे स्लैश नहीं लगा रहे ट्रेलिंग स्लैश इनके ऊपर नहीं है एंड पे तो मैंने अगर यहाँ पे लगा के विजिट किया पेज को फिर वो पेज लोड हो गया अब इस पेज को रीडायरेक्ट होना चाहिए था ओरिजिनल में इस पेज पे ठीक है क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड वर्जन है वेबसाइट का तो ये दोनों डिफरेंट पेजेज़ हैं तो ये आपने ध्यान में रखना ये और पेज है ये और पेज आ, आपको है आपको बाहर देखने में लोड होने में एक चीज़ नजर आ रही है लेकिन गूगल की नज़र में ये क्या है ये और चीज़ है ये और पेज है ये और ये और पेज है इसको अलग से क्रॉल करेगा इसको अलग से क्रॉल करेगा इसको अलग से इंडेक्स करेगा इसको अलग से अब अगर ये इसको इंडेक्स कर लेता है तो यहाँ पर फिर वही मसला क्या कहते हैं इसको डुप्लीकेट कंटेंट का ठीक है फिर क्रोनिकलाइजेशन वहाँ पे आ जाएगी तो ये एक लंबा सरदर्द बन जाएगा ठीक है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी स्टैंडर्ड वर्जन है आपका हर पेज को उसी स्टैंडर्ड वर्जन में लोड होना चाहिए और जब भी आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है तो एंड के ऊपर देखना है वहां पे स्लैश आ रही है या नहीं आ रही क्योंकि ये चीज भी इंटरनल लिंक में हो जाएगी क्योंकि अब मिसाल के तौर पर अब ये ओरिजिनल में देखा जाए तो मैं लोड करता हूँ इस पेज को ये नहीं हो रहा इस पे, है इसको अगर ये नहीं हो रहा हो सकता लगा दी हो तो क्रालर की नजर में ये वाला पेज क्राल हो जाएगा बजाय इसके होना ये चाहिए था ठीक है तो ये चीज़ें आप लाजमी देखनी है कि अगर आप जो भी आपका स्टैंडर्ड वर्जन है चाहे वो ट्रेलिंग है चाहे वो नॉन ट्रेलिंग है उसी पे हर पेज को लोड होना चाहिए और आपकी प्रिंटर लिंक भी उसी बेस पे होनी चाहिए ये आ, हो गए मेन अच्छा एक बच्चे का क्रोनिकलाइजेशन टू यूं कह लें कि ये टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है क्रोनिकलाइजेशन यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजनस हैं। लेकिन आ, ये आपने देख लेना कि अगर आपका आपने किसी पेज पे क्रोनिकल टैग लगा रखा है तो उस पेज का इंडेक्स होना ज़रूरी है उस पेज का टू हंड्रेड स्टेटस होना ज़रूरी है मतलब ओके पेज होना चाहिए वो ठीक है रिट्रैक्ट वग़ैरह और ब्रोकन पेजेस और इस टाइप का कोई भी आपका क्रोनिकल टैग नहीं होना चाहिए ठीक है आपने जहन पर रखना है और दूसरी चीज़ क्रोनिकलाइजेशन को बड़े बड़े ही ध्यान से यूज़ किया जाता है तो इसकी भी डिफरेंट यूज़ यूज केसेस होते हैं कि आपने कब इसको क्रोनिकलाइज क्रोनिकल टैग को यूज़ करना और कब नहीं करना अच्छा तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेता है इकनोनिकल टैक्स की कोई भी मिसाल के तौर पे अब ये वाला पेज है ये वाला पेज ले, ले लेते हैं यहाँ पे वो नहीं है ना अब इसका मैं वो देख लेता हूँ क्या बोलते हैं इकनोनिकल टैग अब देखें अहिंस भाई ने आपको ये नज़र आ रहा है जो एक्सटेंशन जो मैंने की है जी जी आ रही आ रही अच्छा यहाँ पे देखें उन्होंने इकनोनिकल टैग ये लगा रखा है तो ये सेल्फ रेफरेंस है ठीक है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है हो सकता है अगर यहाँ पे उन्होंने स्लैश लगा दी पे तो ये पेज जो क्रोनिकल टैग है तो ये इनका रॉन्ग हो जाता फिर इस पेज को ज्यादा प्रोटीन मिल जाती इसको गूगल डी इंडेक्स कर देता ठीक है जैन में रखना है क्रोनिकल एस्ट पेजेस को गूगल डी इंडेक्स कर देता है अच्छा इसकी यहाँ पे कोई एग्जाम्पल और ढूंढते हैं मिसाल के तौर पर अभी का कौन सा है ये जी ई अल्ट्रासाउंड मैं इस की को मैं सर्च कर लेता हूँ अभी एग्जाम्पल देने के लिए तो यहाँ पे देखिए मिल गई हमें खुद ही मिल गया ठीक है ये कोई ब्रांड ही है जी ई अच्छा यहाँ पे देखें इनका एक पेज आ रहा है प्रोडक्ट का इसका जो मैं लिंक देख रहा हूँ वो है प्रोडक्ट्स अल्ट्रासाउंड वेन्यू फैमिली ट्रांसड्यूसर जो भी है अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट यहाँ ये यह, हाँ ये ये देखें ये दोनों पेजेस जो हैं मैंने कॉपी कर ले तो लिंक ताकि आपको भी इसी आराम से नज़र आ जाए सेम है डिफरेंट है अब देखें दो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसकी वर्ड पे एक ये वाली प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है एक ये वाला अब देखो दोनों अब अगर, अगर आप गौर करते हैं दोनों डिफरेंट पेजेस हैं ठीक है यहाँ तक सेम है अल्ट्रासाउंड उसके बाद यहाँ पे देखें कलेक्शन uh, कोई होगी इनकी सब कलेक्शन वेन्यू फैमिली के नाम से उसके बाद ये प्रोडक्ट आ रही है लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट वो प्रोडक्ट आ रही है तो यहाँ पे इनके दो पेजेस जो हैं रैंक uh, कर रहे हैं फॉर सिंगल क्यूरी इसकी वर्ड के लिए तो देखें अब ये यहाँ पे मसला आ सकता है ठीक है तो गूगल यहाँ पे वैसे तो ये ब्रांड है तो प्रॉपर्टी तो देगा साफ जहर है लेकिन अगर ये कोई जनरल पेज होता कोई और होता मतलब थर्ड पार्टी तो यहाँ पे ज़्यादा इशू था तो यहाँ पे इन दोनों ने इन लोगों ने ये देखना है कि हमने ओपन भी कर लेते हैं हम अपना आइडिया लगा लेते हैं वो तो अपना आइडिया खुद लगाएंगे कि हमें किस पेज पर पे लगाना चाहिए क्रोनिकल टैग इस पेज पर पे लगाना चाहिए इस पर लगाना चाहिए और किस पेज का लगाना चाहिए तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ हाँ ये चीज नहीं यहाँ पर लोड हो रही है प्रोडक्ट्स अभी लोड ही हो जा रहा है तो देखें अब ये किस्म का आ, क्या कह सकते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शन है गाइड है ठीक है नोटिस वगैरह अपना प्रोडक्ट्स नहीं है और इस पेज के ऊपर इनके प्रोडक्ट्स हैं तो अगर मैं होता इनके ऊपर काम कर रहा होता तो मैं देख लेता कि हमारा कौन सा पेज है जहाँ से जो हमारा मनी मेकिंग पेज है तो अगर दोनों पेजेस को देखा जाए तो ये वाला जो पेज है ये आपका मनी मेकिंग पेज क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट की हुई हैं तो यूज़र्स यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर सकता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जैसे ये बता रखा है कि आपने करना क्या है ठीक है तो अब देखिए सेम की वर्ड पर ये दो पेजेस रैंक हो रहे हैं तो मैं क्या करता इस पेज के ऊपर मतलब ये क्रोनिकल टैग इसका इस पेज के ऊपर लगा देता ठीक है तो यहाँ पे ये जो क्रोनिकल टैग नज़र आ रहा है तो ये यह यहाँ पे मैं लगा देता ठीक है तो इस पेज को प्रॉपर्टी इस पेज की जगह पे प्रोटी इस पेज को मिल जाती है क्योंकि ये आपका मनी मेकिंग मनी मेकिंग पेज है तो सेम इस तरह अपने क्रोनिकलाइजेशन में देखना है कि आपका अगर आपके पास सेम की वर्ड मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं तो आपने वहाँ पे डिफाइन करना है कि आपका कौन सा पेज है जो आपका इंपॉर्टेंट है और कौन सा पेज है जिसको आप निगलैक्ट कर सकते हो जिसको आप स्किप कर सकते हो जिस पेज को आप स्किप कर रहे हो उस पेज के ऊपर अपना इक्न्य का टैग लगा देना कौन से पेज का जो आपका इंपॉर्टेंट पेज है उसका जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेज मुझे लग रहा है ठीक है इसका क्लोनी ये कि मैंने लिंक कॉपी करके ये वाला इस पेज का जो क्लोनी कला यहाँ पे मैंने लगा देना था ठीक है तो ये मैं इसको यूँ कर लेता अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा होता क्योंकि ये मेरी है मजीद हमने डिस्कस भी करना होता है अपने क्लाइंट्स के साथ कि वो क्या चाह रहे हैं तो उस बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो क्रोनिकलाइजेशन होती है इसकी आ, बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं ये तो हो गया इसके हवाले से कि हमने डिफाइन कर लिया कि कौन सा पेज इम्पोर्टेंट है कौन सा समझ लेंगे जो भी इसके अलावा क्रोनिकल टैक्स की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आपकी सिमिलर प्रोडक्ट्स रैंक हो रही होती हैं तो वहाँ पर आपने किस तरीके प्रोडक्ट को प्रोपर्टी देनी होती है मिलती जुलती प्रोडक्ट्स अगर हों तो तो वहाँ पे भी आपने देखना होता है किस कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है और किस पेज को आप स्किप कर सकते हो जिसको आप स्किप करना चाह रहे हो उस पेज के ऊपर अपना इकनोनिकल टैग लगा देना कौन से पेज का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका ठीक है तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी या फिर आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैंने रिसेंटली एक इकनोनिकल टैग अपडेट किया था एक वेबसाइट है लिंक uh, तो नहीं बता सकता आपको एग्जांपल देता हूँ तो वहाँ पे uh, वो था हाउस क्लियरिंग लंदन तो उनका सीन ये था कि एक पेज है uh, यहाँ पे लगा देता हूँ ए बी सी डॉट कॉम डॉट को डॉट जूके स्लैश एक उनका ये पेज था एक पेज था उनका जनाब अब ये देखें आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दी ठीक है एक ये पेज है ए बी सी डॉट को डॉट यू के स्लैश हाउस क्लियरेंस लंदन ठीक है तो उसके अलावा एक और पेज था उनका ए बी सी डॉट को डॉट यू के वेयर वी वर्क हाउस क्लियरेंस साउथ वेस्ट लंदन अब ये दो पेज हैं तो ये जो ऊपर वाला पेज है ये मेन सर्विस का पेज है ठीक है हाउस क्लियरेंस लंदन सर्विस पेज है और जो नीचे वाला पेज है ये उनका लोकेशन पेज है ठीक है लोकल पेज हम इसको बोल सकते हैं तो उन्होंने सेंटर में देखेंगे पे एग्जाम्पल दे रखी है वेयर वी वर्क ठीक है इसका मतलब यह कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है वेबसाइट का कि वियर वी, वी वर्क के नाम से उन्होंने एक पेज बना रखा है उसके फिर सब पेजेस बना रखे हैं एक साउथ वेस्ट लंदन का साउथ ईस्ट लंदन का जितने भी मतलब सिटीज वगैरह उसके हवाले से पंद्रह बीस लगा लें आप दरमियान में कीवर्ड कवर टारगेट कर रहे थे हाउस क्लियरेंस ठीक है क्योंकि लोग सर्च करते हैं हाउस क्लियरेंस लंदन हाउस कलेरेंस बर्मिंग हाउस क्लेरेंस मैनचेस्टर इस टाइप से तो यहाँ पे ये दोनों पेजेस वो आ रहे थे कीवर्ड क्या था हाउस कलेरेंस लंदन तो आपका क्या है ख्याल है कौन सा पेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट होना चाहिए और जिसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तो वो डेफिनेटली ऊपर वाला पेज बनता है ठीक है तो हो क्या रहा था ये वाला जो पेज है ऊपर वाला जो मेन पेज है वो तकरीबन इनका ट्वेंटी प्लस पोजीशन में था ठीक है और जो नीचे वाला लोकल पेज है वो इनका आ रहा था मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे ठीक है तो ये इनका डिफरेंस था अब हमने क्या किया ये जो पेज है इसके ऊपर हमने क्रोनिकल टैग लगा दिया इसका ठीक है तो क्या हुआ फिर ये पेज हो गया डीन डैक्स और ये जो पेज है ट्वेंटी प्लस पोजीशन जितनी भी थी ये आ गया जनाब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इन्नी मतलब इन्हीं में प्ले करता रहा कभी फर्स्ट पे कभी सेकंड पे तो इतना फ़र्क पड़ जाता है ठीक है क्योंकि लोग हाउस क्लियरेंस सर्च हाउस क्लियरेंस लंदन को सर्च कर रहे थे तो पेज उनका ये वाला रैंक हो रहा था इस पेज के ऊपर तो हमने इस पेज को इसकी इम्पोर्टेंस खत्म कर दी इसके पेज के ऊपर हमने उनका टैग लगा दिया ये वाला तो ये पेज हो गया गैब गूगल से ठीक है तो डी इंडेक्स हो गया उसके जगह पे हम इस वर्ड के ऊपर ये वाला पेज लोड होने लग गया ठीक है तो ये चीज़ें कनोनिकलाइजेशन में ये भी देखते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है तो ये इंतहाई एहतियात के साथ काम किया जाता है इकनोनिकलाइजेशन किनोनिक, वाला तो अपना अंदा धुंध किनोनिकलाइजेशन नहीं करनी ये ध्यान में रखना है ठीक है तो ये चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं जो मेनुश्चित होते हैं वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किनोनिकलाइजेशन के आपको एग्जाम्पल और दे देता हूँ कोई भी मिसाल के तौर पे आपका एक पेज है एक कलेक्शन लगा लेते हैं ए बी सी डॉट कॉम स्लैश कोलेक्शन्स ए बी सी सी अच्छा डी ई एफ अच्छा तो ये आपके है, है? आपकी कलेक्शन है ठीक है देखिए आपकी मेन कलेक्शन थी ए बी सी उसके बाद उसकी सब कलेक्शन है डी ई एफ उसके बाद सब उसके सब कलेक्शन हैं जी एच आई तो देखा जाए कराल डेथ के हवाले से या सॉरी क्या बोलते हैं यू आर एल डेथ के हवाले से तो ये एक लंबा सिलसिला चलता जाता है ठीक है तो यहाँ पे अक्सर हमें देख लेते हैं कि अगर हमारी ये वाली जो क्या कह, कहते हैं कलेक्शन अगर हमने सर्च किया है ए बी सी वाले के नाम से कोई कलेक्शन ठीक है तो हमारे पास जी एच आई वाली सब 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 कलेक्शन वहाँ पे हमारे पास रैंक हो रही है या, या ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बाद हमारी ये वाली भी रैंक को रिया मसाद के तौर पर अगर हमारी कलेक्शन जी एच ई वाली है वो आ रही है टॉप फाइव में ठीक है और जो ए बी सी वाली मेन पेरेंट कलेक्शन है वो आ रही है आपकी थर्टी प्लस पे और अगर आपने सर्च किया था ए बी सी सर्विसज या ए बी सी प्रोडक्ट्स ठीक है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सर्च लोग को कर रहे हैं ए बी सी प्रोडक्ट और वो आपका जो पेज है ये वाला यहाँ तक का ये आपका ट्वेंटी थर्टी प्लस में जा रहा है जबकि जी एच ई वाला इसी ये वाला पेज पूरा ए बी सी प्रोडक्ट वाले कीवर्ड पे आ रहा है टॉप फाइव में तो आपको ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है इसके ऊपर इकोनिकल टैग लगा देना है ए बी सी तक का ठीक है तो यहाँ से ये भी एक यूज केस है इकोनिकल टैग्स का मतलब टू मैनी केस यूज केसेस होते हैं ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ठीक है तो इस हिसाब से आपने इकनोनिकलाइजेशन क्रौनिक, देखनी है और जिस पेज के ऊपर किसी और पेज का इकोनिकल टैग लग जाता है तो वो पेज इंडेक्स हो जाता है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी आपको इस पेज के ऊपर मैंने इकनोनिकल टैग लगाया इस पेज का तो ये वाला पेज क्या हो जाएगा डी इन हो जाएगा इसके ऊपर जी में आपका इशू आ जाएगा कि आप पे अप्रॉपर पेज विद नहीं सॉरी अ पेज विद अ प्रॉपर क्रोनिकल टैग या डिफरेंट प्रॉपर क्रोनिकल टैग इस टैप से जो इशूज़ आ रहा होता है वो ये वाला होता है तो आपने उसको रिजॉल्व नहीं बैठ जाना आपने पहले देखना है कि कौन से पेजिस पे कौन से क्रोनिकल टैग्स लगे हुए हैं क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं है अगर आपको लगता है कि वो इम प्रॉपर हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं वरना उसको स्किप कर दें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है तो यहाँ तक मेरे ख्याल में कवर हो गया होगा आवाज़ नहीं आ रही आपकी म्यूट किया हुआ आपने हेलो अहमद भाई गैप हैं आप नहीं आ रही आवाज़ आपने ना म्यूट किया अहमद भाई अच्छा मैंने करना है मुझे अब क्या पता यार व्हाट्सअप कर रहा हूँ आपको हेलो टेस्ट कर दें आप अच्छा तो ना मुझे ये बता दें कि अब हमने ये दो जो दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली है ये क्लियर है अच्छा अब आगे मूव करते हैं तो मुझे ना थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होगी तकरीबन एक सेकंड बल्कि यूँ करें ब्रेक कर लेते हैं कोई तकरीबन दस पंद्रह मिनट की ठीक है उसके बाद ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं दो चीज़ें रह गई हैं बस क्या ख़्याल है आप लोगों का कर लें ब्रेक हाँ क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस करेंगे लाजमी जितने भी आ रहे हैं हमारे पास काफ़ी सारे है पढ़े हैं हाँ बस थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं उसके बाद फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को जी जी बताएँ आप, आपका जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है

तो उसके फिर मैंने काफी उसको देखा उसकी कोडिंग चेक की जो थीम की फाइल्स है उसको भी चेक किया फिर जो रैंक मैथ तो तो और ये एट इंस्टॉल थे से एक को डीएक्टिवेट किया और दूसरे रैंक मैथ एक्टिवेट किया और भी जो ब्रेड रैंक मैथ में जो ऑप्शन होता है ब्रेड कम्स का वहां जाके भी उसको सेटअप किया लेकिन वो स्टिल वही एर दे रहा था फिर मैंने इस तरह से किया कि थीम पे जाके ना मैंने इसके कस्टमाइजर पे जाके ब्रेड कम्स को डिसेबल कर दिया कि वो ब्रेड कम्प शो ही ना हो लेकिन मैंने अभी तो डिसेबल कर दिया लेकिन अगर कल को दोबारा ये इशू आता है तो मुझे ये पूछना है कि तो ये एक एस के ब्लड क्रम्स को वापस रखना यानी हम ये ना चाहते हो ब्लड क्रम्स को हम होव कर दें तो डिसेबल कर दें तो एक तो ब्लड क्रम का इशू क्यों आता है और दूसरा ये कि हम ब्लड क्रम्स को इनेबल रखते हुए कैसे टाइम से मेरे पास दो मिनट्स हैं और ठीक है मैं जल्दी कोशिश करता हूँ आपका आज जवाब देता हूँ ये तो जो, जो ब्रेड क्रम्स तो 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 ब्रेड क्रम्स सॉरी मैंने कहा बस आप शॉर्ट जवाब दे दें मतलब ज्यादा हाँ, टाइम नहीं है ब्रेड तो क्रम जो होते हैं एस तो में इंपॉर्टेंट नहीं होते वो जस्ट यूजर एक्सपीरियंस के लिए होती हैं ठीक है ताकि यूजर्स आपके पेज पे आता है ताकि उसको एक पाथ मिल जाए एक रूट मिल जाए वो किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टली जिस पेज पे जाना चाहे लाइक होम पेज पे आया उसके बाद कलेक्शन पे गया प्रोडक्ट पे गया तो आपको जब ब्रेड क्रम होगा वो होम कलेक्शन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट होगी ठीक है तो वो यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से बेस्ट ऑप्शन है एस में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है यूज़ कर लें तो वो यूज़र के लिए बेस्ट है आपके लिए गूगल के हवाले से उसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है और जो जो इशू है ये इशू आता है वही प्लागि की ही वजह से आता है क्योंकि जितने भी आपके पास स्कीम्स के इशूज़ आते हैं वो आपके जो प्लगिंग होते हैं उसकी वजह से आते हैं क्योंकि वहाँ पर वो एक आटोमेटेड प्लगिन वो आटोमेट स्कीम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी एंटिटीज़ वगैरह मिस हो जाती हैं ठीक है किसी की कोई एंटिटी मिस होती है किसी का नेम मिस होता है किसी की कोई ना कोई इशू मतलब वहाँ पे वारेंस वगैरह आ रही होती हैं तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सिंपली एक प्लग जो है वो आपके टाइम से जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस टाइम उसकी जो कस्टमाइजेशन होती है वहाँ से सेट कर लें और मेरा मशवरा यही है कि किसी भी किस्म का जो होता है ये स्कीमा मार्कअप आप प्लग के थ्रू ना किया करें इसको आप मैनुअली क्रिएट किया करें

अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें प्लॉग इन को वहाँ पर जब आप कस्टमाइज का तो वहाँ पर एक एक चीज़ को आप मैनुअली खुद से देख लें कि कहाँ पे आ, कैसे इसको रखना है ब्रेड क्राम को जो इश्यूज उसके आ रहे होते हैं चीज़ें बता रहा होता है वो साइकोन्स वगैरह पेजेस वगैरह उस हवाले से उसको फिक्स करें आप एक बार उसको ऐड कर लें उसके बाद आप सिंपली इसको वैलिडेट कर दें वो खुद ही रिमूव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम फिर नहीं आएगा ये चीज़ें चलिए मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ मैं तकरीबन बारह बज के पाँच मिनट पर आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ ठीक है

बारक अल्लाह थैंक यू भाई ये वाला ऑप्शन ही मिल रहा क्या हो गया इसको आप, 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 आप म्यूट कर देना वीडियो और ऑडियो अपना म्यूट करके चले जाएं कोई मसला नहीं आप अगेन आ जाइएगा क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे सेशन की तो तब तक जिनके जो क्वेश्चन है आप, आ, मेरे रिगार्डिंग क्योंकि एक्सपर्ट तो नहीं हूँ आपके रिगार्डिंग लिंकडिन है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग है

Uh, जी काशी भाई आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अगर आपका है जी रिकॉर्डिंग uh, आपको मिल जाएगी हमारे जो भी सेशंस होते हैं ना उनकी हमारे जो यूट्यूब चैनल है ग्रुप का डिजिटल पक्स हमारा यूट्यूब का चैनल है वहां पे आपको सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी और जो भी हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं आप वहाँ से गाइड कर सकते हैं जी uh, जुनेद भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा आई थिंक राफेब भाई होस्ट भी नहीं बना के गए हैं सो so, मैं उन्हें कहता हूँ अगर वो होस्ट मुझे गाइड दे तो वही वैसे ही चले गए हैं आई थिंक वो थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। अजनीत भी सॉरी टू से दैट आप अपना चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं uh, कि ताकि मैं उनका आंसर कर सकूँ ग्रा, ग्राफोग्राफी बाई के आते हुए टाइम लग जाना है चलिए जैगम का जो क्वेश्चन है मैं उन्हें आंसर करता हूँ सर मैंने अपनी जी साइड का जी दिया है मुझे कब तक पता चलेगा कि जी सबमिट हुआ है या नहीं हुआ ये चीज़ है तो वो एट वो जब आपने लगाया होता है ना मतलब अपना लाइक के अपनी कंसोल में आपने एस टी एम एल के थ्रू वेरीफाई करवाया है या वर्डप्रेस प्रेस में ना एक प्लग इन होती है साइट किट गूगल साइट किट उसके थ्रू आपने अपना सर्च कंसोल वेरीफाई करवाया है ठीक है ऑन द अदर हैंड आपने क्या किया है कि आपने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू या एनालिटिक्स के थ्रू जिसके थ्रू आपने वेरिफिकेशन करवाई हैं तो वो एट अ सर्टन लिमिट उसी टाइम ही वो आपको कह देता है कि विद सम काइंड ऑफ टू मिनट्स लगते हैं आपको वो फौरन आपको कर देता है कि वाकई आपका जो हेड अटैक पे वो आपने जो टैग है इम्बैट किया है तो आपको फौरन ही वो आपको वेरिफिकेशन ऑनरशिप दे देता है सर्च कंसोल की लेकिन अगर आपकी वर्ल्ड की वेबसाइट है ना तो मैं आपको एक और ऐसी तरीका बताता हूँ आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वर्ल्ड की वेबसाइट पर जाए और वहाँ पे क्या करें कि ना गूगल साइट किट की एक प्लगन है वो इंस्टॉल करें आप डायरेक्टली वहाँ से अपने सर्च कंसोल को वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और आपको बहुत मतलब लाइक इतनी ये कोडिंग वगैरह इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये मेथड है क्योंकि ये अब्दुल्लाई के क्वेश्चन है टॉप टेन प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा स्कीमा बेस्ट है देखिए स्कीमा अकील भाई जो ये जो चीज है ना लाइक सम काइंड ऑफ टेक्निकल इंडेक्सिंग क्रॉलिंग स्कीमास, ये राफ़े भाई आपको आंसर देंगे मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं मेरी स्पेशलिटीज़ थी कि मुझे ई e कामर्स में इंडस्ट्रीज़ का पता है आप ई बे अमेजोन और उसके अलावा एट सी इन मार्केट प्लेस का मुझसे पूछ सकते हैं है आप मुझसे एस सी ओ का पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे ऑन पेज के रिगार्डिंग है या आपका कुछ लाइक रिसर्च like, के रिगार्डिंग है ठीक है और और ब्लॉगिंग इंडस्ट्रीज में भी मेरा एक्सपीरियंसिस है तो ये वो चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं क्या चीज़ें लर्न कर रहे हैं चीज़ें सीख रहे हैं दूसरों को भी लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ये चीज़ है अच्छा ई कॉमर्स एस में और ट्रेडिशनल एस में क्या फ़र्क है यार काशी भाई देखो यार ई कॉमर्स एस में और ट्रेडिशनल एस में ऐसे कोई फ़र्क नहीं है आप ऑन बेसिक लेवल कह सकते हैं लेकिन वहां पे क्या है कि आप लोगों की जो ट्रेडिशनल एस उसमें सारी चीजें हैं लाइक हर की आता है इंफॉर्मेशनल है कमर्शियल है ट्रांजेक्शनल है हर चीज आती है लेकिन ई कॉमर्स एंड एस है ना उसमें क्या है आपका जो इंटेंट है ना वो यूजर बाइंग फेज है ठीक है ना मतलब कि उससे उधर जो भी बंदा आएगा ना जो भी यूजर आएगा वो ये इंटेंट लेके आएगा या आप वो जो चीजें पुट करेंगे ना इस इंटेंट से, से क्या आपको सेल आपको सेल्स आए या कन्वर्जेंस आए समथिंग लाइक दैट जो आप लोगों ने जो भी लीड्स लेके आनी है जो भी चीज करनी है ठीक है ना तो ये ई कॉमर्स एस में बाकी एस सच कोई इसमें इतना डिफरेंस नहीं है कोई फर्क नहीं है हाँ लेकिन ये एक चीज है कि ना अगर आप जो प्लेटफॉर्म चेंज करते हो ना लाइक अगर शॉपिफाई पे हो तो वहाँ पे आप कलेक्शन पेजेस और ये वो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं बाय इट सेल्फ शॉपीफाई के खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑन द अदर हैंड जो वर्ड है या दूसरी चीजें प्लेटफॉर्म वो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं कि आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं सो ये चीज़ है अच्छा लिंकड पर मुझे इशू आ रहा है काफी दिन से प्रोफाइल नॉट अवेलेबल जब भी किसी को सर्च करूं प्रोफाइल एंड इवन माय ओन प्रोफाइल सी आयशा टी आप क्या करें अपने LinkedIn को वेरीफाई वेरीफाई करवाएं आपका नहीं है इसीलिए ये मसला कर रहा है ठीक है अहमद भाई बैक बैकलिंग का आंसर जिसने देना है उनका नेम बता दे अब्दुल्ला भाई है वो हमारे ग्रुप में है तो उनका बैक ऑफ पेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं तो वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं कैफिलियो एस सी ओ के आ, कैफिलेट एस्यू रिकॉमर्स एस यू के इंटेंट सेम होते हैं बिकॉज दोनों में यूज इंटेंट बाइट होता है जी काशी भाई देखो एफिलेट में क्या होता है हम लोग ना इन्फॉर्मेशन इंटेंट भी यूज करते हैं देखें अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है मतलब ना मार्केट इंडस्ट्री को पहले अंडरस्टैंड करें एक्चुअल में जो बायर परसोना है ना बाइंग का उसे पहले अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली में एजुकेट होता है फिर कंसिडरेशन होती है और फिर परचेज होता है ठीक है अब आप जो जिस इंडस्ट्री पे लिख रहे हो ना पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे जो मैं चीज दे रहा हूँ लोगों को क्या वाकई लोगों को उसका पता है नहीं तो मुझे क्या अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू उन्हें एजुकेट करना है ऑन द अदर हैंड कंसिडरेशन पे आप लोग लेके आ जाते हो अपनी जो ट्रैफिक है या जो आपके बंदे हैं जो भी चीज है ठीक है कंसिडरेशन पे ये होता है कि बाहर सर्च करता है टॉप टेन प्रोडक्ट्स या टॉप टेन लेदर जैकेट्स इन यू टॉप टेन एस सी इन लंडन ठीक है सम काइंड ऑफ इस तरह की चीजें या टॉप टेन कह लो के यार शूज इन यूके ठीक है सो ये वो चीजें हैं यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है अब यूजर का इंटेंट है परचेज करना लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है कि मुझे रिव्यू मिले सराउंडिंग से क्योंकि हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं तो हमारा ये काम होता है कि बेसिकली हम लोग मार्केट में जाए चेक करें क्या है कि यार ये चीज अवेलेबल है या नहीं है या इसका कोई रिव्यू दे रहा है या नहीं दे रहा क्योंकि हम लोग रेंडमली ब्लाइंडली वो चीज बाय नहीं कर सकते सबसे पहले, पहले क्या करेंगे हम लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट को देख के करके देन हम लोग वो चीज परचेज करेंगे ठीक है तो ये कंसिडरेशन फेज है अब जो एफिलेट uh, चीज है ना उसमें ये दोनों चीजें आती हैं एजुकेट भी आता है कंसिडरेशन भी आता है लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वहां पर जो ज्यादा इंटेंट फॉलो होता है वो आप लोगों का परचेज का इंटेंट है ठीक है ना परचेज की आप लोगों की बायर जर्नी है सो सबसे पहले आपको बायर जर्नी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो सो आपको आंसर मिल गया होगा अली भाई यार आपका जो भी बंदा करना चाह रहा है ना सो so, यार इस तरह अभी मैं सेशन में क्या आपको बताऊंगा यार विच इज बेटर फॉर ई कॉमर्स शॉपी फॉर वर्ल्ड प्रेस सबसे बेटर ना आप लोगों के लिए शॉपीफाई है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन और इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ठीक है सो so, और यार दूसरे चीजों पे ना आप, मैं आपको एक चीज बताता चलूँ के लाइक ना मैं भी आप लोगों की तरह स्टेजेस पे मैंने भी एस लर्न की काफी देर से स्ट्रगल करता आ रहा हूँ माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंसिस भी है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि हर बंदा हर फन मोला नहीं है अब जिस तरह राफे भाई ने कहा कि यार उन्हें ऑफ पेज ऐसी नहीं आती है तो अब जिनको ऑफ पेज ऐसी वो ये नहीं कह सकते कि यार हमें कुछ नहीं आता यार आता है हर किसी बंदे के पास एडवाटेज है हर चीज का ठीक है ना एक से बड़े एक फनकार मौजूद है इंडस्ट्री के अंदर ठीक है सो अपने आप को कभी यार ये नहीं करना यार मुझे कुछ नहीं आता ये नहीं आता कुछ नहीं यार आप कल से आज बेहतर हो तो that's best for you. ठीक है है अगर वो ये भाई पूछे ना, which better for e Shopify WordPress, यार सबसे बेस्ट है in terms of के आप लोग पे जल्दी रैंक कर सकते हो ठीक है और हैंडलिंग के तौर पे वर्ड प्रेस में क्या है कि यार आप लोगों को ना थीम पे ऊपर ना रिलाई उधर भी करना पड़ता है शॉपिफाई के ऊपर लेकिन शॉपिफाई में ना हैंडलिंग एज कम्पेयर टू वर्ड प्रेस ईजी है और दूसरी बात ये ना वहां पे जो रैंकिंग है ना लाइक Pages, ये वो, वो जर्नी बनानी लेके जाना चाहिए तो शॉपिफाई दी बेस्ट है लेकिन वर्ड प्रेस भी अच्छा है लेकिन यार जो रैंकिंग हमें देंगे ना पॉइंट्स को वो शॉपिफाई की तरफ है तो शॉपिफाई सबसे अच्छा है भाई मेरी साइट के प्रोडक्ट पेजेस रैंक हो रहे हैं ब्लॉग रैंक कर रहे हैं ब्लॉग से ट्रैफिक आ रही है लेकिन पे

मेकर ईमेल फ्रॉम फ्रॉम अच्छा आ, अच्छा देखिए जो ना डिसीजन मेकर लिंकडिन पे है ना अफजाल भाई वो ये चीज़ होती है कि अब राफे भाई भी आ गए हैं सो ये हम लोग क्वेश्चन इनशाला बाद में कर लेंगे जब हम लोग हमारे अपने सेशन हुआ करेंगे सो क्योंकि राफे भाई का टाइम इम्पोर्टेंट है सो राफे भाई आप कीजिए कंटिन्यू थैंक यू हो 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 रही रही है है वाली जी जी ठीक गया अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इश्यूज होते हैं जैसे हमारे ये पेजेस में बेसिकली इसको पहले हम बोलते थे कवरेज तो अब पेजेस के नाम से ही आता है अच्छा इसमें ये तकरीबन हर वेबसाइट में ही होती हैं चीजें ठीक है ये जो इश्यूज वगैरह आ रहे होते हैं तो किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है जितने जी, कम होंगे उतना तो मतलब हमारा कराल बजट सही यूज़ होगा थोड़ा सा कराल बजट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कराल बजट जो वो बहुत है बेसिकली जो गूगल है या जितने भी सर्च इंजेस हैं वो डेली बेसिस पे बिलियंस ऑफ पेजेस को कराल करते हैं ठीक है जब वो क्राल करते हैं तो बेसिकली वो एक यूज मैंने कि प्रोग्राम्स होते हैं एलग्रिदम्स होते हैं मशीनज़ होती हैं ठीक है तो उनको क्रॉल करने के लिए पेजेस को तो एनर्जी यूज़ होती है ठीक है तो वो जो एनर्जी होती है वो क्रिएट की जाती है क्रिएट की जाती है तो उसका मतलब कि उसके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं तो गूगल के बहुत सारे डॉलर्स लगते हैं श्योर तो नहीं है यहाँ ये चीज़ डिस्क्लोज है तो इसके लिए क्या होता है गूगल जो आपके पेज को क्रॉल कर रहा होता है इसके बिहाइंड क्या और होता है कि उनकी कास्ट लाजमी आ रही होती है तो गूगल की आपको पता है हर बंदा चाहता है कि मेरे कम से कम पैसे लगें तो सेम फॉर गूगल वो भी ये चाहता है कि हमारे कम से कम एक्सपेंसेस हो तो वो आपके जो पेजेस होते हैं इस टाइप के पेजेस को क्रॉल करने की कोशिश करता है जो आपके पेजेस प्रॉपर हो और आपके जो यूजलेस पेजेस हैं लाइक आपके ब्रोकन पेजेस हो गए या आपके नोट no पेजेस हो गए या फिर आपके जो ब्लॉग्ड होते हैं लेकिन फिर भी वो क्रॉल हो रहे होते हैं इन इनके ऊपर उनके पैसे ज़ये हो रहे होते हैं तो गूगल की जो आ, कोशिश ये होती है कि वो आपके जिस इस टाइप की जो वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं उनको प्रॉपर कराल ना करे अपने पैसे बचाए अपना टाइम बचाए तो इस टाइप की चीज़ों को वो स्किप कर देता है ठीक है तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं तो इस हवाले से भी चीज़ें होती हैं और इसके अलावा हर वेबसाइट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है क्रॉलर्स का कि उस उसने क्रालर्स ने किसी भी वेबसाइट को कितना टाइम देना है क्राल करने के लिए ठीक है किसी वेबसाइट्स के लिए ये फ्यू सेकंड्स होते हैं किसी वेबसाइट के लिए ये फ्यू मिनट्स होते हैं किसी के लिए ये नंबर ऑफ आर्ट्स भी होते हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी होती हैं जिन पर क्रॉलर्स मतलब जिसमें कि चौबीस घंटे में ही रहे होते हैं ठीक है तो ये डिपेंड करता है वेबसाइट के साइज़ पे। अगर आपकी वेबसाइट छोटी सी है तो आपके वेबसाइट पे फ्यू सेकंड्स के लिए ही करालर जाते हैं उस टाइम में जितने पेजेस कराल हो सकते हैं वो कर लेते हैं उसके बाद वो मूव करके किसी और वेबसाइट पर चले जाते हैं अगर आपकी वेबसाइट जो है वो लाखों में अगर आप उसकी एग्जाम्पल ले लें कि लाखों में पेजेज हैं तो वहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए आते हैं तो ये एक सेकंड के अंदर पता नहीं नंबर तो मुझे भी नहीं आईडिया लेकिन बहुत सारे पेजेस क्राल हो जाते हैं ठीक है इस हिसाब से अगर आपके लाखों पेजेस हैं वेबसाइट के ऊपर तो क्रालर जब वो आपके वेबसाइट पे मिनट्स में आके क्राल करते हैं मतलब फ्यू मिनट्स लगाते हैं तो सारी पेजेस वेबसाइट कभी भी कराल नहीं होती जितने भी वेबसाइट के ऊपर पेजेस होंगे वो सारे कराल कभी भी नहीं होते जितना टाइम होता है या जितना मतलब वेबसाइट के ऊपर पेजेस होते हैं उस हिसाब से वेबसाइट के ऊपर टाइम uh, लगता है क्रालर्स का क्राल uh, कराल uh, करने का उस हिसाब से ये चीज़ें uh, क्या कहते हैं कि वेरी वेरी होती रहती हैं अगर आपकी वेबसाइट मिलियन ऑफ पेजेज़ की हैं तो वहाँ पर घंटों uh, की नंबर में भी वहाँ पे करालर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको जो इश्यूज आते हैं करालर्स को वो जी में हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ़ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से पेजेस हमारे इंडेक्स uh, नहीं होते तो हम यहाँ से इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है पेजेस विद रीड इसका मतलब ये होता है कि करालर आपके किसी पेज पर आया ठीक है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं मैंने ये पेज ओपन कर लिया ठीक है क्या डिफरेंस इन दोनों में किसी को पता लगा रिटर हाँ ये चीज इसने बोला कि ये पेज क्या है विद तो यहां पे देखो ये क्या आ रहा है ट्रेलिंग स्लैश और यहाँ पे ट्रेलिंग स्लैश नहीं है तो वेबसाइट का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो नॉन non... ये क्या हुआ क्लिक हो गया वेबसाइट का जो स्टैंडर्ड uh, वर्जन है वो है नॉन ट्रेलिंग ठीक है यहाँ पे एज पर दिस पेज और ये पेज के एंड पे क्या आ रहा है तो इसका nice. क्या मतलब है तो इस वेबसाइट के ऊपर किसी न किसी जगह पे एक लिंक लगा हुआ है कोई एंकर लगा लेते हैं मिसाइल के लिखा होगा आईफोन ट्रेवल चार्जर तो वहां पे लिंक क्या लगा रखा है ये वाला ट्रेलिंग स्लैश वाला ठीक है लगना क्या कौन सा चाहिए था ये वाला ठीक है तो गूगल इस पेज को क्रॉल कर लिया आप क्रॉल कर ले, लेकर ये पेज क्या हो रहा है रिडायरेक्ट हो रहा है तो वही मैंने जस्ट थोड़ी पहले आपको बताया करालर आपके पेज पे आया वहाँ पे उसको एक लिंक मिला वहाँ उस पेज पे चला गया लेकिन वो क्या और होता है रीडायरेक्ट उसकी वो इंडेक्सिंग क्या करता है स्किप करता है उसको क्राल तो वो एक किस्म का जब करालर आपके पेज पे एक बार आ गया इसका मतलब यह कि पेज क्राल हो गया है अब वो कम्पलीटली कंप्लीटली क्राल हुआ है पार्शल क्राल हुआ है या जितना भी हुआ है वो एक अलग बात है अलग इंडेक्स नहीं होगा ठीक है तो उसकी वजह से यहाँ पे इशू आ जाते हैं पेज विद रीडायरेक्ट में ठीक है तो ये पेज क्या हो रहा है रीडायरेक्ट अब ये क्या है आईफोन ट्रैवल चार्जर तो मेरे ख्याल में आ, नेविगेशन में हो सकते इसका इशू मैं गैस कर रहा हूँ बाकी तो ये किसी ना किसी जगह पे लिखा ही होगा इसके बारे में ठीक है जहाँ भी इस पेज का लिंक लगा हुआ है जिस भी जगह पे भी है तो वहाँ पे क्या लगा रखा है ट्रेलिंग स्लैश लगा रखी है जबकि इस पेज का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो है नॉन ट्रेलिंग ठीक है बाकी जितने भी पेजेस देख रहा हूँ मेन्यू में आ रहे हैं जितने भी वो सारे नॉन ट्रेलिंग है लेके लिंक लगा रखा है ट्रेलिंग वाले स्लैश का तो ये रिट्रैक्ट होके इस पेज पे जा रहा है तो लेकर ये पेज तो क्रॉल हो गया क्रॉलर ने जो इस पेज को लोड करना था ना तो उसकी जगह पे पेज यहाँ पे चला गया तो ये इशू आ गया पेज विद रिट्रैक्ट तो यहाँ जितने भी पेजेस होंगे वो इस टाइप के होंगे मैं यहाँ पे देखिए ये देख लेते हैं ये तो ट्रेलिंग नहीं है ना तो ये फिर भी यहाँ पे आ रहा है इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ये क्या हो रहा है हाँ देखिए आप यहाँ पे मेरा ख्याल है इन्होंने क्या क्या हुआ क्या क्या होगा इन्होंने जैसे जोस्ट में या कोई प्लग जैसे होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ऑटो फिक्स कर देते हैं होम पेज पे अगर कोई भी पेज जब वो ब्रोकन है या रिडाक्ट हो रहा है ऐसा उसको कहाँ पे डाल देना है होम पेज पे ठीक है इस टाइप की सेटिंग कर रखी होगी या ये प्रोडक्ट जो डिलीट कर दी होगी ठीक है प्रोडक्ट डिलीट करने कर प्रोडक्ट डिलीट हो गई फोर फोर हो गया लेकिन उन्होंने क्या है कि इस पेज को रिडायरेक्ट करवा दिया है होम पेज पे ठीक है लेकिन जहाँ पे इसका इंटरनल लिंक लगा हुआ था वहाँ पे इन्होंने रिमूव नहीं किया ठीक है तो इस वजह से ये पेज क्रॉल हो रहा है ठीक है बेसिकली है तो स्टैंडर्ड वर्जन में ना स्लैश नहीं आ रहे स्टैंडर्ड वर्जन में है लेकिन फिर भी रिडायेक्ट रेडर, हो रहा है क्योंकि ये या तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो गई है या इस प्रोडक्ट को इन्होंने प्रोटीन देना चाह रहे हो गे भाई चैट कहते हो कह रहे होंगे भाई छोड़ो इस प्रोडक्ट को हम नहीं ये सेल करते हैं ये पेज भी हम डिलीट नहीं करते तो हमारा एक पेज कम हो जाएगा इस वजह से हम इसको रिडरेक्ट करवा देते हैं होम पेज पे लेकिन इस पेज का जहाँ पे भी इंटरनल लिंक लगा होगा वो रिमूव नहीं किया होगा ठीक है तो इस टाइप के इश्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं पेज वे रीड राइट के अंदर अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है ये एक इशू है तो स्क्रीमिंग फ्रॉग हम यूज़ करते हैं आ, या फिर आप साइड बल्ब यूज़ कर सकते हैं या कोई भी काफ़ी सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं तो वहाँ पर जब आप कराल कर रहे होते हैं तो अब तो मेरे पास इस सिस्टम में वो है नहीं इंस्टॉल स्क्रीमिंग फ्रॉग वर्न मैं आपको ये दिखा देता तो आपने क्या करना है सिंपली ये सारी लिस्ट आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है ठीक है जितने भी हैं ये सारे आपको इसको सॉल्व करके थोड़ा बता देता हूँ तो यहाँ पे होगा नहीं वैसे तो ये स्क्रीनिंग प्रॉप पर पहले हम डिटेक्ट करेंगे ये इसके इंटरनलिंग लगे कहाँ पे हुए हैं तो आपने सिंपल क्या करना है ये सारे लिस्ट आपने कॉपी कर लेनी है ठीक है कॉपी करके आपने जाना स्क्रीनिंग प्रॉप पे जहाँ पे ऑप्शन होता है मोड का जहाँ पे स्पाइडर लिस्ट कंपेरिजन वगैरह की चीज़ें आ रही होती है वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लिस्ट वाला तो लिस्ट पर क्लिक करके अपने आ, दो ऑप्शन होते हैं वहाँ आपके पास लिस्ट अपलोड करने का और एडिट मैनुअली तो ये आपकी मर्जी है तो अगर ये मैं लिस्ट कॉपी कर ली है यहाँ से सिंपल तो मैं इसको एडिट आइडेंटमेडली करके वहां पे पेस्ट कर दूंगा ये सारे लिंक्स वहां पे आ जाएंगे ओके करके क्रॉल कर दूंगा जब ये क्रॉल हो जाएंगे सारे ये वाली लिस्ट जो है सारी तो हमारे पास एक लिंक आ जाएंगे वो आपको बता दो इन लिंक्स पे आप जाएंगे वहां पे आपको लिस्ट मिलेगी फ्राम टू ठीक है एंकर तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी तो यहाँ पे आपका कोई भी पेज हो सकता है ठीक है वहाँ पे आपको बता देंगे जैसे आपने क्रॉल कर लिया तो आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो बॉटो पे ना इस जगह पे वहाँ पे आ रहा होता है तो अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल करके ही यू एक स्क्रीन ले लेते हैं जी एग्जाम्पल ले लेते हैं ये अब क्लियर नहीं है अच्छा अगर आप जब क्राल कर लेंगे आपके ये पेजेस क्राल हो गए ना आप देखें मैंने यहाँ पे एक पेज पे क्लिक किया है ठीक है किसी भी एक यूर के ऊपर तो यहाँ पे ना आपको ये देखें जहाँ पे लिखा नजर आएगा इन लिंक्स के नाम से होगा ठीक है जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज का सोर्स मिल जाएगा फ्राम टू जिस जिस पेज पे होगा वो फ्राम वाले टाइम में आ जाएगा ठीक है टू में ये लिंक होगा क्या आपको पता लग जाएगा कि ये किस पे किन किन पेजेस पे ये वाला लिंक लगा हुआ है जो हमने चूज किया हुआ है अगर आप इसको सिलेक्ट आल कर लेते हैं सारे या कंट्रोल कंट्रोल करके सिंपल सिलेक्ट आल कर लेते हैं फिर आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो जाएंगे फ्राम टू आप उसको सिंपल एक्सपोर्ट कर लें या यहीं से देख लें एंकर वगैरह भी लिखा होता है तो सम टाइम एंकर मिसिंग भी होता है तो आपने वहाँ से डिटेक्ट कर लेना कि कौन सी जगह पर ये पेज है जो लगा हुआ है और रिडायरेक्ट हो रहा है मैं आपको एग्जांपल यहाँ से ढूंढ लेते हैं कोई लिंक्स वाली फ्रॉम टू मैंने अहमद भाई को वैसे बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे ना एक वेबसाइट दे दें दे ताकि उसकी पूरी वो हो जाए जी जी आई नो दैट राफी भाई ने मुझे कहा था कि लाइक बस

ऊपर होता है ठीक है यहाँ पे आ नहीं रहा तो मोड पे क्लिक करेंगे लिस्ट का ऑप्शन आएगा लिस्ट पे आपने जाके ये लिस्ट ये अपलोड लोड कर देने या इसको एडिट मैनुअली कॉपी पेस्ट कर देना सारे लिंक्स इकट्ठे कॉपी करके ठीक है क्रॉल करेंगे जब क्रॉल कंप्लीट होगा तो आपको इस टैप का ये आ, क्या कहते हैं इसको यूजर इंटरफेस नज़र आएगा तो आपने किसी एक क्लिक जैसे हमने यहाँ पे रो नंबर फोर में ये वाला लिंक क्लिक किया हुआ है ठीक है ये क्लिक हो गया उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इन लिंक्स इ लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का ये ओवरव्यू क्या बोलते हैं इंटरफेस आ जाएगा फ्राम टू इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लिंक है ये टू में पड़ा है ठीक है ये वाला लिंक आपके पास इस पेज पे लगा हुआ है इस पेज पे लगा हुआ है इस पे लगा हुआ है इस पे लगा हुआ है एक पे होगा या हज़ार पे होगा वो सारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी ठीक है ये एक पेज के लिए आप सिंपली इसको सिलेक्ट आल कर लें पकड़ के सिलेक्ट आल कर लें या कंट्रोल ए कर लें ठीक है तो फिर इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे फ्राम टू में तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा किस किस पेज पे ये लिंक लगा हुआ है जहाँ पे लगा होगा आपने वहाँ पे जाके उसको या तो रिमूव कर दो या फिक्स करो कर जो भी आपको बेस्ट सोलूशन लगता है वो करना है आपने ठीक है इस हिसाब से ये आपके जब फिक्स कर लें सारे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके सिंपली क्या कर देना है वैलिडेट कर देना ठीक है यहाँ पे आप उन्होंने वैसे लगा रखा है तो यहाँ पे आपने वैलिडेट कर देना है ठीक है यहाँ पे स्टार्ट न्यू वेलिडेशन आपके पास वैलिडेट का ऑप्शन आएगा तो इसमें क्या है अब देखें इनके फाइव फिफ्टी थ्री और ये वन सिक्सटी टोटल जितने बनते हैं ये इतने थे पहले ठीक है वैलिडेशन की है जो जो कराल हुए हैं जो uh... प्रॉपर लग गए थे या फिक्स हो गए थे वो हो गए ठीक है बाकी फेल ये हो गए हैं जो बच गए हैं पेंडिंग में ये वो यहाँ पे आ रहे हैं ये नेक्स्ट क्राल पे जब भी होगी वेबसाइट ठीक है तो उनमें दोबारा एक बार हो जाएंगे तो ये नंबर कम होते जाएंगे ये कभी भी आपका एक ही बार में ये सारे नहीं होता बहुत रेयर केस होते हैं अब एक ही बार में अगर हो जाए अगर आपके फ्यू यू हैं फिर तो हो जाएगा अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो फिर ये ऐसा ऐसा होंगे ठीक है पेंडिंग फेल पेंडिंग फेल आपके पास आता जाएगा आप इसको बार बार सेट करते जाएँ फिक्स करते जाए वेल डेट पर लगाते जाएँ

ये वो पेजेस होते हैं जैसे करालर आपका मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई लिंक लगा हुआ है करालर आया आपके इस पे लिंक पे आ गया ठीक है मिसाल के तौर पे ये लिंक पे आपका एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपने या... या तो इस पेज को डिलीट कर दिया है ठीक है या फिर ये लिंक एग्जिस्ट नहीं करता या आपने जब ये लिंक लगाया तो मिस्टेक हो गया स्पेलिंग की या कुछ कुछ भी हो गया स्पेस लगी है आपका हाई फाइड नहीं लगा या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो ये पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है करालर जो होता है वो आपका जब पेज कराल करता है यहाँ पे आया तो वो देखता है कि यार ये पेज ब्रोकन है तो इसको कहाँ पे डाल देगा यहाँ पे डाल देगा नाटफोंड के अंदर ठीक है तो आपके पास ये लिस्ट है अब मैं ये पेज ओपन करता हूँ ये नाटफोड में जाएगा ठीक है ये फोर फोर आ गया है तो ये पेज क्या हुआ है ब्रोकन है और ये लास्ट टाइम क्रायल कब हुआ है ट्वेंटी अगस्त तो ये पाँच दिन पहले ही क्रायल हुआ लास्ट टाइम ठीक है ये वेबसाइट वैसे भी इसमें जो आ रहे हैं ये पाँच दिन हो गए ये इसको ये कराल नहीं उसके बाद हालाँकि कोशिश होनी चाहिए कि डेली बेसिस पे कराल हो या एक दो दिन छोड़ के कराल हो जाना चाहिए तो देखें यहाँ पे ये कराल बीस पाँच दिन पहले ही हूँ मैं और ये पेज ब्रोकन है अब फिर सेम प्रोसेस उसके लिए इसको आप एक्सपोर्ट कर लें सिंपल कॉपी कर लें लिस्ट एक्सपोर्ट कर दें ठीक है ये लिस्ट है अपने का आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी ब्रोकन की इसको आप स्क्रीमिंग प्रॉक पे करें सेम प्रोसेस सारा होगा इधर है वो इमेज

ठीक तो हो गया <laughs> तो वहाँ पे चीजें साथ साथ होती जा रही है ठीक है जी जी। ये तो हो okay, गया उसके बाद हम देख लेते हैं सर्वर एर ये बहुत uh, कम केसेज होते हैं ठीक है, है? ये जल्दी फिक्स हो जाता। आप इसको वैलेट पे लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे अगर आपका सर्वर काम कर रहा है ठीक है तो मैं लगा रहा हूँ ये अलग रहेगा हो जाएगा ठीक है तो इसमें कोई मसला नहीं होता जल्दी हो जाते हैं या आपके एंड पे नहीं होता यह सर्वर साइड पे होता है अच्छा उसके बाद सोफ्ट फोर ओ फोर अब देखें सोफ्ट फोर कौन सा पेज होता है मैं इसको ओपन करूंगा ये पेज नॉट फोन में नहीं जाएगा फोर फोर इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा ठीक है ठीक है देखें यहाँ पे ये पेज एग्जिस्ट कर रखें फोर फोर लिखा हुआ नजर आ रहा है कुछ जैसे ये आ रहा है ठीक है नथिंग वाज फोन ऑन दिस लोकेशन और यहाँ पे देखें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा मतलब ये है कि ये पेज एग्जिस्ट करता है इसको मैं किसी भी ब्राउजर पर ओपन करूंगा यह पेज ओपन लाजमी होगा लेकिन है? बॉडी है। नहीं नहीं। हाँ, नहीं। नहीं। में कुछ भी नहीं होता तो वो आपका शोर्ट फोर फोर में आता है ठीक है तो इसकी एग्जाम्पल ये चलो आपको लाइव एग्जाम्पल गई इसके अलावा आप जो टैग यूज करते हैं आपने टैग यूज किया प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ठीक है मिसाइल तौर पर आपका एक प्रोडक्ट है क्या नाम है इसका आई फोन ट्रेवल चार्जर अडाप्टर यू के मेन्स जो भी लिखा हुआ है नाम आप इसका एक प्रोडक्ट वो एड कर देते हैं टैग लाइक आप लिख दिया आई फोन ट्रेवल चार्जर ठीक है या फिर ये तो पूरा हाँ आई फोन ट्रेवल चार्जर आपने लिख दिया है ठीक है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा टैग्स ठीक उसके बाद नीग, स्लैश नीग। उसके बाद ये आपका टैग का नेम जो होगा वो होगा हो सकता है आपने उसके बाद कुछ अर्से बाद आपने प्रोडक्ट डिलीट कर दी है लेकिन आपका टैग वाला पेज है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है वो पेज क्रिएट हुआ पड़ा है तो उस टैग वाले पेज के ऊपर आपकी कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगी ठीक है कोई कुछ, कुछ भी शो नहीं हो होगा तो वो आपके पास क्या होगा सॉर्ट फोर ऑफ फोर होगा यहाँ पे भी मोस्टली आपके फो टैग पेजेस ही होते हैं जो सॉर्ट फोर ऑफ फोर में आ रहे होते हैं ठीक है तो ये इसको आप करेंगे वैलिडेट ये फिर फेल हो जाएगा ठीक है उसके रीज़न क्या है आपने इस पेज को डिलीट नहीं किया हुआ तो उसका बेस ये आप डिलीट करते हैं ठीक है क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है आपके सामने है तो ये पेज कुछ भी नहीं करा लेकिन ये पेज कराल हो गया है ये पेज कब हुआ है तेरह जुलाई दो हज़ार चौबीस ये महीना पहले कराल हुआ है ठीक है तो इसको आप कर दें डिलीट कर दें उसके बाद आप इसको वैलिडेट कर दे यहाँ से ही यह उठ जाएगा जितने भी पेज में तो आपने सबको वन बाय वन विजिट कर लेना है उसके बाद नेक्स्ट इशू तो पे चलते हैं ये डुप्लीकेट और ये क्रोनिकलाइजेशन वाले अब देखें ये है डुप्लीकेट विद आउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल इसका मतलब ये है यहाँ पे जो पेजेस है ना वो पेज एक्जिस्ट करते हैं ठीक है उनका कंटेंट या जो भी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कुछ भी होगा किसी ना किसी और पेज से हंड्रेड परसेंट ना तो एटी टू नाइन्टी परसेंट क्या होगा सिमिलर होगा ठीक है इसके ऊपर आपने किसी भी किस्म का टैग भी नहीं लगाया होगा अगर लगाया होगा तो वो सेल्फ क्या बोलते हैं सेल्फ रेफरेंस का होगा ठीक है लेकिन उसका डाटा किसी ना किसी से मिल रहा होगा ले जी ये तो आपके लॉगिन पेजेस आ गए हैं अच्छा उसके बाद अच्छा अब देखते जाए आप मैंने तीन डिफरेंट पेजेस ओपन कर ली हैं ये, है, ये पेज और है ये पेज और है ये पेज इसकी अब रोबोट्स का इशू है ठीक है उन्होंने क्या क्या हुआ है आपने इन पेजेस को ब्लॉक नहीं किया हुआ ठीक है लॉग इन वाले पेजेस को जो ये अब रिसेंटली भी कराल हो रहे हैं पाँच दिन पहले आपकी वेबसाइट वैसे मेरे ख्याल में लास्ट टाइम पाँच दिन पहले कराल हुई है नहीं वैसे करा तो डेली होती है आपका देख रहे हैं ये वाले पेजेस करा नहीं हो रहे अच्छा आप देखें तीनों पेजेस में कुछ चीज़ आपने ऐसी फाइंड की है जो सेम हो लॉगिन पेज है सेम एज इट इज वही बस यहाँ पे कंटेंट आपका हाँ आपकी बॉडी क्या आ रही है सेम आ रही है हंड्रेड परसेंट जी पेजेस क्या हैं डिफरेंट हैं अब इसको ऊपर क्रोनिकल टैगल देख लेते हैं मिसिंग है ठीक है तो अब देखें गूगल ने क्या लिखा हुआ है डुप्लीकेट पेज है ठीक है विद आउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल पेज तो वाकई डुप्लीकेट है आपके सामने है ठीक है मैंने अभी तीन एग्जांपल्स ओपन की हैं तीनों पे क्या है एक सेम वो एक बॉडी में क्या आ रहा है लॉगिन वाला वाला आ पेज आ रहा है ठीक है तो डुप्लीकेट तो हो गया हंड्रेड परसेंट अब इनके ऊपर यूजर ने क्या नहीं लगाया विद आउट यूजर सेलेक्टेड कनोनी का यूज़र ने किसके ऊपर कोई कनोनी का टैग नहीं लगाया हुआ अगर इसके ऊपर कैन्य का टैग लगा देते किसी भी मेन uh, जो आपका ये वाला पेज है ये वाला जो साइन का पेज आ रहा है ठीक है इसको मैं ओपन करता हूँ ये क्या आ रहा है ये भी यही आ रहा है ठीक है आपका ये मेन पेज है इनके ऊपर आप क्रोनिकल का टैग लगा दें अभी लगाने दे नहीं चाहिए आपको जस्ट बता रहा हूँ इनके ऊपर तीनों पेजेस के ऊपर आपने क्रोनिकल का टैग लगा दिया इस पेज का ठीक है तो फिर वो वहाँ से गायब हो जाएंगे ठीक है फिर ये आपके पास चला जाएगा इस इस सैलर में और नहीं इसके ऊपर क्रोनिकल वाला मसला ये रहा गूगल चूज डिफरेंट क्रोनिकल देन यूजर सॉरी ये तो गूगल का अपना है यहाँ पे एक और आता है क्रोनिकल टैग विद नहीं सॉरी विद प्रॉपर का टैग ठीक है इस के नाम से एक इशू आ रहा होता है ठीक है मुझे एग्जैक्टली फोन में नहीं आ रहा तो वो आ रहा था वो ये वहाँ पे चला जाता है लेकिन ये जो पेजेस हैं आपने अपने पेज को ब्लॉक करवाना है रोबोट्स में ठीक है लागिन वाली जो स्ट्रिंग आ रही है आपकी तो इस पेजेस को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो इनको ऑटोमेटिकली ब्क उसमें जाना चाहिए ब्लॉक बाय रोबोट्स में ठीक है तो ये आपने वहाँ पर देखना है अच्छा तो इस टाइप के यहाँ पर इशू आ रहे थे यहाँ पे आपने अंधा धुंध काम नहीं करना आपने डिफरेंट पेजेस को देखना है तो ये तो चलो आपकी ये ब्लॉग पेजेस आ रहे हैं सारे रोबोट्स में जाने चाहिए लॉगिन वाले हैं यहाँ पे एक पेज अभी गुजरा है ये वाला लोड बास्केट इन कार चार्जिंग अडॉप्टर ये वाला पेज है इसके ऊपर आप टेक्निकल टैग देखते हैं क्या है क्या है ये मिसिंग है ना मिसिंग है जी जी ठीक है तो ये इसके ऊपर आपका क्या uh, है कि उनको टैग नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपने इसका सेल्फ रेफरेंस लगा देना है ठीक है हो सकता है इसका जो कंटेंट है किसने किसी ना किसी पेज से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट से मिल जुल रहा होगा ठीक है कुछ ना कुछ मिलता होगा एट्टी एट्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट अब ये कोई भी अथेंटिक रिसोर्स ऐसा नहीं है जहाँ से हम बता सकें कि गूगल कितने परसेंट सिमिलर कंटेंट को डुप्लीकेट में ऐड करता है इसका कोई वो अभी तक कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ गूगल की तरफ से अब सेम ये है ठीक है इसका भी मिसिंग होगा ठीक है तो ये जितने भी हैं तो इनको अपने फिक्स कर लेना है ये सारे लॉगिन इन वाले मोस्टली आ रहे हैं तो सारे आपके पास के जो भी आ रहे हैं सारे क्या हैं लॉग वाले पेजेस चाँद एक एग्जाम्पल था जहाँ पे आपने मिसिंग क्लू का आपने ऐड नहीं किया अगर वहाँ पे ऐड कर दें वो वहाँ से यहाँ से निकल जाएंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही है कि वेबसाइट ऑनर को इसको आपने ब्लॉक करवा देना है ठीक है लॉगिन पेजेस को अच्छा उसके बाद एक और इशू यहाँ पे होता है जो हमने स्किप किया अभी ये हाँ यहाँ पे एक बड़ा एक मज़े की चीज़ आ रही है आजकल मेरे पास दो बंदों ने स्क्रीन भेजे हैं ये दो तीन दिन दो या तीन दिन पहले डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट क्रोनिकल देन यूज़र यहाँ पे पता गूगल क्या कर रहा है गूगल क्या करता है आपकी देखें यहाँ पे तो ज़ीरो है यहाँ पे एग्जाम्पल है कोई हिस्ट्री खड़ी है नहीं है अच्छा

मेरे पास है पांच छह वेबसाइट्स हैं सर्च कंसोल में ऐड लेकिन आई थिंक uh, किसी में गूगल वाला एरर नहीं है ये वाला जो इस पे है उसमें बड़े मजे की चीज है आप भी हैरान हो जाएंगे यार मैं ढूंढ रहा हूं एक वेबसाइट थी जी जी मैं मैं आपको दिखाता हूँ के ई टी ये वेबसाइट है ठीक है ये इसका होम पेज है तो यहाँ पे देखें इसका उनका टैग इसका अपना ही लगा हुआ है ठीक है ठीक हो गया लेकिन गूगल क्या कह रहा है गूगल कह रहा है डुप्लीकेट विद आउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल तो यहाँ पे पता क्या लगा रखा है कौन से वेबसाइट का लगा रखा है जिसके जो कैनोनिकल टैग है वो है जनाब इस वेबसाइट का बेस्ट अब खुद सोचें अब ये वेबसाइट ठीक है इस वेबसाइट के ऊपर इस पेज के ऊपर कैनोनिकल टैग लगा हुआ है किस पेज का इसका जब कि अगर हम इस वेबसाइट का वो सोर्स कोड देखते हैं और कैनोनिकल में जाते हैं किधर है वो बन हाईलाइट हो रहा है आपके भाई ये ऊपर ना वो आ रहा है असल में हाँ ये अब रेफरेंस लगा हुआ है ना आपके सामने देख गूगल क्या कह रहा है कि गूगल जो ये कह रहा है कि इस पेज के ऊपर आपका जो क्रिमिनल टैग लगा हुआ है वो इस वेबसाइट का है थर्ड पार्टी का तो इस तरह के दो केस आए हैं एक और केस है वो उसके अपनी वेबसाइट बनने की वो मैं वो नहीं कर सकता ये किसी ग्रुप में आई थी उसने वहां से मुझे लेके भेजा है तो गूगल अब ये काम कर रहा है आपकी वेबसाइट पे या आपके पेज पे किसी और वेबसाइट का टैग ऐड कर रहा है ठीक है इसका सलूशन है मुझे खुद नहीं पता कैसे होगा मैं अभी देख रहा था चीज़ें तो मुझे इसका प्रॉपर मिला नहीं है क्योंकि जो मैंने सलूशन बताए हैं उसको भी जो जो पॉसिबल हो सकते हैं वो कह रहा है मैंने ये सारे कर लिए लाइक like, मैंने उसको बोला कि इसमें जो प्लागि लगे हैं वो इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो वेबसाइट यहाँ से रिमूव करके सर्च में से दोबारा मतलब ऐड कर लो

वो उसकी खुद ऑटो जनरेटर होती, होती है वो प्रॉपर बनी होती है परफेक्ट होती है वो ठीक है उसमें जो पंगे होंगे वो आपकी तरफ से होंगे उसकी तरफ से नहीं होंगे इसी तरह साइड में आप शोपे का परफेक्ट होता है तो उसमें इसी बाकी आप खुद से भी है जो एडेक्स वेस्क इंडेक्स करवाना चाहे रिमूव करवाना चाहे वो साइड में आपसे वो आपकी मर्जी है वैसे उसका प्रॉपर बना होता है तो इस जब आप वर्ड प्रेस में जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती हैं तो मोस्टली जो इस टाइप के इश्यूज आते हैं लाइक ये डिफरेंट क्रॉनिकल हो जाते हैं सेल्फ या मिसिंग वाले होते हैं ये सारे उसी में आ रहे होते हैं आपके पास वर्ड uh, प्रेस में तो जो भी मैं बता रहा था गूगल चूज डिफरेंट क्रॉनिकल यूजर उसमें ये होता है गूगल अपनी मर्जी से ठीक है अपनी मर्जी से आपके वेब पेज के ऊपर क्रनिकल टैग लगा देता है ठीक है तो गूगल की अपनी मर्जी वो डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कौन सा क्रोनिकल टैग होना चाहिए मिसाल के तौर तो पर आपके दो पेजेस हैं ठीक है तो मिसाल ये एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास परफेक्ट एग्जाम्पल पड़ी है ये वाली तो ये आपका ऑफिशियल पेज है ये आपका डुप्लीकेट वर्जन है ठीक है तो गूगल सम टाइम ऐसा करता है कि गूगल खुद से आपके इस पेज के ऊपर कानूनी टैग लगा देगा आपके जो पेरेंट पेज है ये वाला इसका तो इस टाइप के इशूज भी हमारे पास जीएससी में आ रहे होते हैं गूगल चूज डिफरेंट क्रोनिकल देन यूजर्स तो उसमें गूगल खुद से पिक कर लेता है तो आप उसको ओपन कर लो पेजेस देखो कौन कौन से हैं तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके ऊपर आपको कौन सा कानून का टैग लगाना है किसके ऊपर नहीं लगाना ठीक है तो वहां से आप उसको खुद से फिक्स कर सकते हो ये हो गया उसके बाद एक सबसे क्रिटिकल इशू जो होता है वो इस पेज के ऊपर नहीं आ रहा आपके इसके अंदर तो वो मैं खुद हैरान हूँ क्यों नहीं आ रहा ब्लॉक बाय रोबोट्स ठीक है राफी जी जी, जी आ, मेरे पास इधर शायद एक पड़ी हुई वेबसाइट उसका हाँ है उसको देखो देखो जरा

तो इसका इंडेक्सीबल बता नहीं रहा यहाँ पे हाँ सॉरी ये इंडेक्सीबल है ठीक है तो बात यह है कि अक्सर मैं देखता हूँ जो ब्लॉग में रोबोट्स का इश्यू आता है वो क्यों आता है वो मोस्टली आता है शोपेफा स्टोर्स पे ठीक है अब ये किस पे शोपेफा पे है या वर्ड प्रेस है? ये लारा लारावेल है अच्छा

उसकी रीजन क्या थी अब उसकी रीजन ये थी कि मैं मैं एक एक वेबसाइट ओपन कर लेता शॉपिफाई की कोई भी आ, कोई एग्जांपल दे दें दे यार जिसमें फ़िल्टर्स लग गए हों आप में से एग्जांपल दे दें दे दे आप जो लोग यूज करें आप जो लोग यूज कर रहे हैं ना वेबसाइट जिसके पास कोई इशू आ रहा है कर कर का लिंक दे 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 आप टेक्स्ट कर दें कोई भी भाई यार्ट मेडिकल का मेरे पास आई कंसोल था अगर मैं देखता हूँ हम लोगों ने खोली मेरे पास अभी इसकी एक्सेस नहीं वो मैंने रिमूव कर दी है उसने मेरे से ले ली थी क्योंकि उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया था लेकिन तो कोई बंदा कर दे ना वो बेहतर है क्योंकि वो ये इसने किया हुआ है इसने मेंशन किया है जूपोश.डॉट कॉम काफी तो चेक कर अच्छा ये वेबसाइट है

ये फिल्टर्स कहां पे हैं ये वाले नहीं ये वाले भी नहीं नहीं है यहाँ पे नहीं है अच्छा मुझे बताएंगे आपका कौन से पेजेस जो पेजेज रोबोट्स हैं लिंक भेज दें दो भेज दें एक दो लिंक भेज दे आप उधर से कंसोल्स उठा के ताकि ऑडियंस को नॉलेज मिल सके। अगर लाइव हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। और आप ये फिल्टर वो कलर्स वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ फिल्टर्स जैसे हाँ। कलर्स हो गए या सब कुछ हाँ। हो।

एक फिल्टर और होता है ग्रीन का तो उसमें सम टाइम ऐसा होता है रेड भी शो हो रही होती ये प्रोडक्ट्स ग्रीन भी दोनों फिल्टर लगे होते हैं दोनों शो हो रही होती हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है इस टाइप की मैं कोई एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ ये उसने लग, उसने भेज दिया ब्रार भाई ने ये रहमान तो, तो सर्विसेज का लिंक दे रहा है यार नहीं, नहीं इधर चैट बॉक्स में राखी भाई चेक करें जूम की वो मैंने ओपन कर लिया ये तो कोई कहीं और ले गया मुझे हाँ ये सब चीज़ का लिंक है ये कहीं और ले गया है कोई थर्ड पार्टी पे पे डॉट शोपेफाई पे छोड़ें इस बात को अच्छा मैं आपको बताता हूँ अगर आप फिल्टर्स अप्लाई करते हैं ना में जी में तो आपके ना जो यूरल्स होते हैं उसके अंदर ना प्लस का साइन आ रहा होता है मिसाल के तौर पर ए बी सी डॉट कॉम हो गया ठीक है यहीं पे कर लेते हैं डॉट कॉम कोलेक्शंस ठीक है परफ्यूम ठीक है ये एक एक पेज ठीक है तो ये पेज हो गया यहां पे ना प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो गई हैं तो अब इसके अंदर वो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस होती हैं ठीक है तो उसके लिए क्या होता है कोई फिल्टर लग जाता है ऐसे ही फिल्टर uh, लिख देते हैं मिसाल के तौर पर ठीक है इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मिसाल के तौर पर फिल्टर हमें कौन सी फ्रेगरेंस चाहिए uh, रोज की ठीक है तो अगर हमने ये लिंक किया है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स शो होंगे वहाँ हमारे पास मैन परफ्यूम्स शो होंगे और वो कौन से होंगे जिस जिनकी जो फ्रेग्रेंस है वो कौन से होगी रोज की होगी ठीक है अब फिल्टर लगे हुए ना रोज हो गया ठीक है इसके अलावा जैस्मिन हो गया ठीक है कोई भी फूल है जितने भी ये फ्लेवर्स मैं एग्जांपल यहाँ पे रोज वगैरह के ले रहा हूँ ठीक जी जी। है तो यहाँ पे आप वो यूजर कह रहा है कि ये रोज़ के हो गए हैं वो यू क्लिक कर देता है जैस्मिन पे भी तो उसके पास अब एक और फिल्टर अप्लाई हो गया है कौन सा जैस्मिन का ठीक है तो उसके बाद प्रोडक्ट्स कौन से शो होंगी रोज वाले प्रोडक्ट्स भी और जैसमीन वाली फ्रेग्रेंस वाले भी दोनों भी तो उसका जो यूर है वो उसमें यहाँ पे सेंटर में क्या आता है जब फिल्टर अप्लाई जो होता है ना तो उसके लिए होता है और गेट ठीक है और गेट मतलब या रोज वाले या जैसमीन वाली अगर रोज की पांच प्रोडक्ट्स हैं जैस्मिन की एक है वो दोनों आ जाएंगी ठीक है अगर रोज की उसको नहीं मिली जैस्मिन की एक भी गई है तो वो एक प्रोडक्ट शो कर देगा इसमें और ग्रेट होता है अगर आपको आपने पढ़ा होगा और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ठीक है तो और गेट के लिए होता है प्लस का साइन तो अब इस फ़िल्टर में हमारे पास या तो रोज़ की प्रोडक्ट्स होंगी या जैसमिन की या दोनों की ठीक है मतलब किसी एक की प्रोडक्ट हमें लाजमी शो होंगी इन दोनों फ़िल्टर्स में से दोनों की भी हो सकती हैं किसी एक की भी हो सकती है तो दरमियान में क्या आ गया ये अगर आप शोपेफाई कोई भी वेबसाइट है

नहीं ये कराल नहीं होगा पता क्यों मैं आप इसको इसी वेबसाइट के हम वो देखते हैं रोबोट चेक कर लेते हैं यार जी जो किल्स वाले काम है नुस्मान साहब करते हैं किल्स और क्या नाम किल्ट नहीं? होता है क्या ये निकट वगैरह हाँ ये ना एक स्पेशल किस्म की है राफे पे मतलब अपने एक नीच है, है उस्मान साहब स्कॉटिश किल्ट के ऊपर काम करते हैं उस्मान चुपताई साहब

कुलेक्शन सॉट बाय बाय मतलब हर यू आर एल जिसके अंदर सॉर्ट बाय आ रहा होगा क्योंकि मतलब ये होता है वो क्या बोलते हैं ऑल ठीक है तो हर कलेक्शन पेज ये मतलब हर यू आर एल जिसके अंदर ये सॉर्ट बाय आ रहा होगा ना कलेक्शन वाइज ठीक है कुलेक्शन में ऐड हो रहा होगा कलेक्शन के बाद की बात है तो वो क्या करने चाहिए ब्लॉक ठीक है तो ऐसे पेजेस को क्रालर ब्लॉक कर देता है तो उसको कराल नहीं करेगा अगर फिर भी किसी वजह से ये पेज क्राल हो गया तो ये कहाँ पे चला जाएगा ब्लॉक्ड बाय रोबोट्स वाले एरर में जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है ठीक है तो ये क्यों आता है इसकी डिफरेंट रीजन होती हैं एक रीजन ये होती है कि हो सकता है आपने किसी पेज के ऊपर ये लिंक लगा दिया हो ठीक है इस टैप का इसमें ये चीज आ रही हो इंटरनल लिंक लग गया हो ठीक है एक तो रीजन ये होगी उसके अलावा क्या होता आप है आप फिल्टर वगैरह लगाते हैं ना तो फिल्टर आपके जावास्क्रिप्ट में नहीं होते सिंपल आपके फिल्टर लगे होते हैं तो जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हो ना तो क्या होता है उसका जो यूरल होता है सामने शो हो रहा होता है ठीक है तो ये ये आपने देखा होगा तो जो फिल्टर होते हैं उनका जो यूरल होता है ना वो शो यहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपका पेज वो क्या होगा कराल हो जाएगा क्योंकि आपका जो जो पेज होता है ना वो आपके जो उसकी मेटा होती हैं वो होता है इंडेक्स फॉलो इंडेक्स का मतलब ये तो आपने उस पेज को इंडेक्स करवाना है और जो फॉलो है उसका मतलब ये है कि अगर आपके पेज के ऊपर वो क्रालर आया है तो उसके जितने भी, भी लिंक्स हैं उन सबको आपने क्या करना है uh, क्रॉल करवाना चाहते हैं तो फिर क्या होता है तो यहाँ पे आपका फिल्टर लगा होता है किसी भी जगह पे ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ ना ये मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया हुआ है तो देखें एंड पे लेफ्ट बॉटम पे यहाँ पे जहाँ पे जैसे ये यूरल आ रहा है ना ये देख इसका नहीं आ रहा ये शोपेफाई में तो नहीं लग रही मुझे हाँ ये ठीक है शो पे तो यहाँ पे देखिए लिंक आ रहा है ना नीचे तो इसका मतलब यह है कि ये कराल होगा अगर मैं यहाँ पे फिल्टर पे यहाँ पे कट्स लेकर जा रहा हूँ और अगर नीचे फिर यहाँ पे यूरल आ रहा है उस फिल्टर का इसका मतलब यह कि वो फिल्टर क्या हो जाएगा कराल हो जाएगा ठीक है जहाँ पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह कि ये फ़िल्टर कराल नहीं हो रहा ठीक है जैसे ये फिल्टर मैंने लगाया तो सेम यहाँ पे ना हमारे पास जो फिल्टर तो होते हैं वो अक्सर यहाँ पे मैं देखा है वो वहाँ पे यूरल बन रहा होता है ठीक है तो इसका मतलब ये होता है आपका मेटा रोबोट्स फॉलो इंडेक्स होता है तो जैसे ही कर्सर यहाँ पे आता है तो आपके पास यहाँ पे यूरल शो हो जाता है तो वो पेज क्या हो जाता है क्रॉल हो जाता है जबकि वो हमारे पास क्या होता है ब्लॉग बाय रोबोट्स ब्लाग बाय रोबोट्स होने के बावजूद वो हमारे पेज हमारे पास पेज क्रॉल हो जाता है तो वो वहाँ पर चला जाता है ठीक है अभी आ, मैंने केस स्टडी शेयर की थी आप लोगों ने शायद देखी होगी तो ये ब्लॉग्ड रोबोट्स वाली तो मिलियंस ऑफ पेजेस थे जो ब्लॉक्ड हो रहे थे उसकी रीज़न क्या था हमने जो डिटेक्ट की थी वो यही थी कि यहाँ पे देखें ये वाला साइन प्लस का नजर आ रहा होगा आपको जी जी ये ये वाला प्लस साइन तो यहां पे देखें जिन पेजेस के अंदर यूआरएस के अंदर ये प्लस का साइन आ रहा है उनको हमने क्या करवाना है ब्लॉक है वो वो कराल नहीं होना चाहिए लेकिन उनके जो फिल्टर्स थे ठीक है जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया रोज और जैस्मिन वाली ठीक है इस स्टेप किधर गया जुड़ गई है तो यहां पे मैं एग्जांपल आ... लगा लेता हूं यहां पे प्लस का साइन आ रहा हूं ठीक है फिल्टर्स में तो इस टाइप के पेजेस क्या हो रहे थे ब्लॉक हैं लेकिन वो क्या पेजेस के हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे थे लिंक्स तो वो हमारे पास क्या हो गए थे क्रॉल हो रहे थे तो ब्लॉग्ड बाय रोबर्ट्स वहाँ चले गए तो उसमें आ गए तो उसमें अब ये देखें जो वेबसाइट थी वो वाली उसके ऊपर तकरीबन डेली बेसिस पे क्रॉलिंग हो रही थी और हर रोज यही पेजेस बार बार क्रॉल हो रहे थे जो ब्लॉग्ड हैं तो सारा क्रॉल बजट कहाँ में वेस्ट हो रहा था इन्हीं पेजेस पे और जो उनके कुलेक्शन पेजेस थे वहाँ पे वो उनको क्रॉल नहीं कर रहा था तो यहाँ से क्या हो रहा था उनके जो मेन पेजेस हैं कुलेक्शन प्रोडक्ट्स वो क्राल नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे और जो उनके ब्लॉग्ड हैं वो बार बार कराल हो रहे हैं उन्होंने इंडेक्स तो होना नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या हो रहे हैं बार बार कराल होते जा रहे थे तो तो सारा कराल बजट उनका वहीं पर ज़ाय हो रहा था ठीक है तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि पर रोबोट्स आपके जो रोबोट्स फाइल होती है इसको आपने चेक कर लेना यहाँ पे किस टाइप के यूर हैं जो आपने ब्लॉक कर रखे हैं और इस टाइप का किसी भी किस्म का यूअर विजिबल नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके पेज के ऊपर ये आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि जो फिल्टर होते हैं ना वो आपके हर पेज पे होते हैं और एक पेज के ऊपर हज़ारों फिल्टर लग जाते हैं तो वो आपके फिर मिलेज में चले जाते हैं आपके ब्लॉग पेजेस तो ये होते क्यों है क्राल आपको एक तो रीज़न ये बता दी है कि आपके इंटरलिंग लगा होता है ठीक है ब्लॉग का उसकी दूसरी रीज़न ये होती है आपकी मैटो रोबोट्स मिसिंग होती है तो रोबोट्स जो फाइल होती है उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती कि कौन से पेजेज हैं जिनको क्रॉल करना या नहीं कराना रोबोट्स तो आपकी बनी होती है लेकिन मैटो रोबोट्स नहीं होते जो इंडेक्स फॉलो नो इंडेक्स नो फॉलो के होते हैं ठीक हो गया तीसरी तो रीजन ये होती है कि आपका एक कंपटीटर है जो आप वो क्या करता है आपकी यहाँ से देख लेता है कि आपने इस टाइप के पेजेस कराल कर रखे हैं ठीक है और आपके इस टाइप के पेजेस जो हैं वो आ, अपने किसी ब्लॉग में अपने नहीं एम किसी रेंडम ब्लॉग पर जाता है आपके इस टाइप के जो पेजेस होते हैं ना उनको आ, या उस वेबसाइट पर जाके एक्सटर्नल लिंक लगा देता है आपकी वेबसाइट का और वहाँ पे जो टैग होता है रेल टैग्स वो फॉलो का लगा देता है ताकि करालर आए इस पेज को क्रॉल करे जो आपके एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं ना वो बेसिकली नो फॉलोअप लगाते हैं ना तो वो फॉलो का लगा देता है तो वो फिर आपका पेज आ, उस वहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉल हो जाएगा तो वो आपको शो यहाँ पे होगा ठीक है ब्लॉग बरोबरस में ये चीज़ भी ये डिफरेंट रीजन होती हैं आपके जो ब्लॉग डो पेज होते हैं वो फिर भी क्रॉल हो क्रॉल हो रहे होते हैं तो ये चीज़ें होगी इसके अलावा मैं और देखता हूँ कोई इसकी रीज़न रहेगी हो हाँ यहाँ पे नहीं आ रही एक्सक्लूडेड बाई नो नो इंडेक्स नो इंडेक्स है जी जी ठीक है यहाँ पे एक एरर आ रहा था एक्सक्लूट है सॉरी हाँ एक्स, बाय नो इंडेक्स टैग जी जी तो जो मैंने कुछ शुरू में बताया था साइड मैप का जो नो इंडेक्स टैग होता है ना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कराल नहीं होगा कराल फिर भी होता है लेकिन वो इंडेक्स नहीं होता कराल और चीज़ होती है इंडेक्स और चीज़ होती है पहले कराल होती है वहाँ पे डिसीजन होता है कि एक पेज कराल हो गया है उसके बाद डिसीजन होता है इस पेज को कर इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना उसकी होती है इंस्ट्रक्शन वही फॉलो सॉरी इंडेक्स जो टैग लगाते हैं ठीक है तो अगर उसके ऊपर लगा हुआ है नो इंडेक्स इसका मतलब यह कि वो पेज इंडेक्स नहीं होगा लेकिन वो क्या हो गया है कराल हो गया है ये जो हमारे पास रिपोर्ट होती है ना ये सारी ये सिर्फ दो चीजों की होती है इंडेक्स और नॉट इंडेक्स की इंडेक्स पेजेस ग्रीन वाले और जो नॉट इंडेक्स होते हैं वो जहाँ पे चले जाते हैं किसी भी रीजन से वो बेशक इंडेक्स नहीं हो रहे चाहे आपने उनको खुद से इंडेक्स नहीं करवाना लेकिन फिर भी वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं तो वो आपके नो इंडेक्स जिनके ऊपर टैग लगा होता है वो पेज तो फिर भी क्रॉल हो गए हैं जिसका मतलब ये ये यहाँ पे आ गए हैं जो पेज क्रॉल होगा वो यहाँ पे या इनमें आ जाएगा ठीक है जो इंडेक्स होगा वो ग्रीन में चला जाएगा जो नो इंडेक्स जो इंडेक्स नहीं होगा वो यहाँ पे आ जाएगा फिर उसकी रीजन होती है तो जैसे वो मैंने बताया आपको आ, नो इंडेक्स टैग वाला ये चीज़ हो गई अच्छा इसके बाद जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता दूँ बहुत से कम लोगों को शायद आपको एडी हो आप अपने सेटिंग में जाना है जी जी क्रॉल स्टेटस जीट

ठीक है लेकिन जो डिस्कवरी में यूरस होते हैं वो वो वाले होते हैं जो आपके फर्स्ट टाइम कराल होते हैं ठीक है अब मैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका ये जो पेज है ठीक है ये फर्स्ट टाइम कर कराल, कराल बाईस अगस्त को ठीक है आपके हम यहाँ देख रहे थे ना लास्ट वाली वाले ट्वेंटी अगस्त को आ रहे थे ना जो इश्यूज वाले जी, थे, जी, जी, जी वो बीस अगस्त को कराल हो रहे थे लेकिन यहाँ पे आपकी ये पेज है ये वाली ये वाली प्रोडक्ट है या जो भी है ये फर्स्ट टाइम कराल हुई है ये कलेक्शन है आपकी ठीक है है ना जी जी

यहाँ पे जब बाई उसने देखा ये तो यार ब्रोकन है तो यहाँ पे ये स्किप हो गया ठीक है तो ये चीज़ें आपने देखनी है तो यहाँ पे जो आपके पास लिस्ट आ रही होती है वो आपके वो पेजेस होते हैं जो आपके फर्स्ट टाइम क्रॉल हो रहे होते हैं अभी आ, मैंने वेबसाइट का ऑडिट रन किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई उनसे वही ब्लॉग रोबोट्स वाली तो टू पॉइंट समथिंग मिलियन उनके पेजेस थे ब्लॉग्ड जो कि अब दो लाख कुछ हो गया है मतलब आप मतलब के तकरीबन सिक्स टाइम्स बनेंगे शायद शायद उससे भी ज़्यादा ठीक है इतने पेजेस उसके रिमूव हो गए वहाँ से और उनकी तकरीबन टू हंड्रेड प्लस कुलेक्शन्स फर्स्ट टाइम कराल हुई हैं तीन चार दिन पहले की बात है ठीक है तो आपका कराल बजट जो वहाँ पे जय हो रहा था वो अब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी खासी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं जो फर्स्ट टाइम कराल हो रही हैं ये देख रहे हैं आपकी प्रोडक्ट है टू हंड्रेड स्टेटस में है ठीक है तो ये आपकी फर्स्ट टाइम कराल हो रही है प्रोडक्ट इससे पहले ये कभी भी कराल नहीं हुई थी ये हुई कब है इक्कीस अगस्त को तो आपने ये चीज यहाँ के देखनी है आपके कौन से से जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं और कौन से भी कराल नहीं हुए आपको सी तो तो अब एक चीज बच गई है ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वो अब स्क्रीन में शेयर करो दूसरे ब्रेक लगा रहे छोटी मोटी रावे भाई हम तो मैदान मैदान पे लगातार दूसरे दिन भी वर्क कर सकते हैं लेकिन ने जो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहती वो गई है मैं <laughs> मैं तो कहता तो ब्रेक लगा लेते हैं क्या ख्याल है लाइक के, के आ, फिर कभी डिस्कस कर कर लेंगे हाँ, इसके में कर लेंगे नेक्स्ट हाँ, में भी वैसे थक जी, जी जी ले लें तो,

ये कोई ट्रक डिस्पैच तो नहीं है जी ट्रक डिस्पैचिंग तो नहीं है ग्लोबल में लास्ट में ना डबल 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 ले ले अच्छा बताए ना आप ग्लोबल डबल डॉट कॉम इसका एक आर्टिकल आएगा लेसी फैशन के नाम से ठीक है अब थोड़ा नीचे करें भाई ये ये सामने तीसरे नंबर ये वाला ये ये कॉपी करें ये लेसी फैशन है ना इसको ये कॉपी करें लेसी फैशन कीवर्ड ये हाँ जी ये कॉपी करें अब इसको न्यू टैब में करें सर्च करें अभी इसकी पोजीशन होगी तकरीबन फोर्टी सेवन या फोर्टी फाइव नंबर पे लेकिन उसमें ना एज अ जो है गूगल की जो है एल्गोरिथम है उसके हिसाब से इसका जो यही पेज है ना वो रैंक होना चाहिए लेकिन इसका होम पेज रैंक हो, हो रहा है ये मुझे इशू समझ में नहीं आ रहा हम्म इसके ऊपर सेल्फ क्रोनिक का टैग लगा हुआ है देख लें आप ठीक हो गया अच्छा यहाँ पे देखें यहाँ पे अभी ये पेज है बहुत सॉरी ये तो आई होम पेज रहा है आपकी बात भी बड़ी जैनियन है ये कितने वर्ष हो रहा है एक बार ही है आपका होम पेज जो है सारी ब्लॉग्स ही है।, तो है।, है ना ने। यहां से आपका पिक किया हुआ है। तो इस वजह से ये आ रहा है अभी थोड़ा सा वेट कर लें या जब ऊपर आएगा फिर आपने डिस्ट्री ये लेना है जो भी लेना है आपको ये तो है तो ब्लॉग इसका होम पेज पिक आप लगा भी दे कोई मसला तो नहीं है अच्छा लेकिन देखें आपका जो बेसिकली जो वेबसाइट है ना ये एक बेसिकली एक ब्लॉग है तो यहाँ पे के आपके होम पेज पे कोई भी प्रॉपर ब्लॉग कोई भी नहीं है जस्ट उनके वो आ रहे हैं थम थम्ने, थमे वगैरह जैसे आ रहे होते हैं ब्लॉग्स पे तो अगर आप होम पेज पे किसी और पैक किसी और पेज या कहने को टैग लगा भी देंगे आपको मसला नहीं होगा क्योंकि ये आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पर जैसे आपको कुछ भी नहीं है ये ब्लॉग है बेसिकली वैसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग में सही बता रहा हूँ चले ठीक है हाँ अगर आप लगा देंगे मसला नहीं क्योंकि वैसे इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप इसको इम्पोर्टेंस दें होम पेज को किसी और पेज पे ठीक है कोई इशू नहीं है इसका तो लेकिन फिर देखेंगे आप खुद ही आ जाएगा वो ये, ये, ये होम पेज नहीं है इसके ऊपर ये खुद ही आ जाएगा बाद में इसकी टेंशन ले रैंक होना चाहिए ना ये इतना खास ये ब्लॉग है जो रैंक होना चाहिए होम पेज पे

देख रहे हैं लिंक लगा हुआ होम पेज का नजर आ रहा है आपको ये ये भाई ये देख लें भैया आप खुद ही हिसाब लगा लें अब इसने फिर होम पेज भी जाना है वैसे भी ये ब्लॉग है इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको इस टाइप के इश्यूज की, की। चलो ठीक जी और भाई ये अवेश भाई है कोई ये हैंड रेज कर रहे हैं ना हाँ यही है जी 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 अवैस भाई सलाम वालेकुम सलाम अच्छा सर मेरी मेरी ना ई कॉमर्स साइट है तो आपको पता ही है कि प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान होता है बंदे का तो पोस्ट उसमें ब्लॉग वाला सेक्शन भी होता है तो मैंने उस तरफ ध्यान तो सिर्फ एक सेकंड देने बस जरा हाँ बताएं आपकी कॉमर्स साइट है उसका एक ब्लॉग सेक्शन है हाँ जी पोस्ट वाला सेक्शन है उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं मेरी साइड में शायद बग आया या फिर हैक हुई है, है उसमें ना काफी ज्यादा आर्टिकल पोस्ट हो गए थे इन इनरेलीवेंट तो वो काफी ज्यादा थे मैं फिर सोच में पड़ गया इसको क्या करूं फिर मैंने वो सारे रिमूव कर दिए मतलब कि डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद मैंने ना उधर रिमूवर रिक्वेस्ट भी दे दी है जो है ना गूगल कंसोल में तो लेकिन वो अभी भी वो फोर जीरो फोर उधर शो हो रहा है तो वो कैसे वो अब खत्म हो गए

उनसे बात करके उनको बोलें कि भाई मेरा जो लास्ट वाला बैकअप है ना दस पंद्रह पहले का लगा लें आप ठीक है वो इंस्टॉल कर दो जो करंट वर्जन जाने ये उड़ा दो ठीक है वो इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आपका जो डेवलपर होगा या जो भी होगा उसको आप ये लिस्ट दे देनी दे है ये जो फोर फोर वाले आ रही हैं ठीक है उसको बोलने इनका जो स्टेटस कोड है ना वो फोर फोर आ रहा है ना फिलहाल उसको रिमूव करके फोर वन जीरो कर दे ठीक है उसके बाद आप इसको वैलिडेट कर दो ये नहीं तो वो जो आर्टिकल है वो मेरे रेलिवेंट ही नहीं है वो ऐसे किसी हा, नो हा, वो परमानेंटली डिलीट करवा रहा हूं ना उनको मैं क्योंकि कराल में आपके पास फोर फोर आ रहा होगा वो बार बार कराल होते रहेंगे कैश में पड़े रहते हैं ठीक है आप उनका यूर का जो स्टेटस है ना सबका फोर वन जीरो वैलिडेट करते हैं फोर टेन स्टेटस जो होता है ना वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है और करालिंग में अगर एक बार फोर टेन आ गया ना कराल के अंदर तो नेक्स्ट टाइम उसको कभी कराल नहीं करता उसको रिमूव कर देता है खुद ही ठीक हो गया थैंक यू सर जी uh, ये भी कोई मोहम्मद उवैस हैं जी जी गाइस uh, इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे जिनकी एंगलेज है बस यही है थैंक यू वालेकुम सलाम जी स्लाम वैस भाई जी कैसे हैं आप आपके सामने हूं भाई मैं तो <laughs> जी जी अच्छा लगा

चा, चा, चा। चा। अच्छा 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 राफी भाई एक मेरे पास ना इशू आ रहा है बहुत बड़ा ना वेबसाइट जी जी वेबसाइट है वो मतलब बिजनेस प्लान के रिलेटेड थी ना तो उसमें ऐसा सीन है कि जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस पेजेस है ना अब वो सीन ऐसा है कि अगर मेन जो हमारा कीवर्ड है वो बिजनेस प्लान राइटिंग है अब अगर हम डिफरेंट पेजेस को देखते हैं ना तो वो उनमें सिर्फ एक ही कीवर्ड चेंज होता है जैसे कि स्मॉल बिजनेस प्लान और फिर दूसरे में आ जाता है बैंक बिजनेस प्लान मतलब एक ही कीवर्ड चेंज हो रहा है लेकिन बिजनेस प्लान राइटिंग ही आगे यूज हो रहा है तो सीन ये हो रहा है कि जो होम पेज पे कीवर्ड रैंक होने चाहिए थे ना वो सर्विस पेजेस पे रैंक हो रहे हैं तो जबकि कैनोनिकल भी उनको उनका अपना ही दिया हुआ है तो इसका क्या हल निकाला जाए अब आपके जैसे आपने बताया कि डिफरेंट पेज कीवर्ड चेंज हो रहा है राइट तो बाकी सारा कॉन्टेंट हाँ। सेम है नहीं कंटेंट भी डिफरेंट है लेकिन बीच में जैसे हर पेज के अंदर बिजनेस प्लान राइटिंग आ रहा है क्योंकि और अब वो कीवर्ड तो आएगा जाहिर सी बात है क्योंकि वो है ही उसी के रेलीवेंट लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस प्लान राइटिंग कीवर्ड है वो सिर्फ होम पेज के लिए हो लेकिन जो सर्विस पेजेस का है वो सिर्फ उस सर्विस पेज के लिए हो जैसे कि अगर स्मॉल बिजनेस प्लान राइटिंग सर्विस है तो वो उसी वाले कीवर्ड पर ही रहते तो जो टाइटल्स हैं वो अपने उस हिसाब से लिखे हुए हैं सब पेजेस के और होम पेज का टाइटल जो है उसी हिसाब हाँ, हाँ। से जो आपका टारगेट कीवर्ड है बिल्कुल उसी हिसाब से टाइटल मैटर डिस्क्रिप्शन कह लें कॉन्टेंट जी जी बिल्कुल सेम रखें और आप चाह रहे हैं कि होम पेज पर लेकिन उसके लिए आपका सर्विस पेज जा रहा है ऐसे ऐसे कह ऐसे रहे हैं ना ऐसा ही है बासुका जैसा होता है कि होम पेज जो सर्विस पेज पे चले जाता है और सर्विस पेज होम पेज पे चले जाता है ऐसा ही होता है बिल्कुल वो आपस में ही मतलब कॉपी आपका एक मसला आ रहा है सिर्फ कॉपीराइटिंग का आप अपनी कॉपीराइटिंग इंप्रूव कर लें सिंपल अगर सब कुछ ओके है अगर आपका कॉपीराइटिंग का इशू हो सकता है इसके अलावा कोई नहीं है मुझे लास्ट टाइम किसी ने सजेशन दिया था कि आप से आप अंदर चेंज लाओ में जो है कीवर्ड इस से यूज़ इस तरह तरह से से यूज करो लेकिन उससे भी मैंने करके देखा कोई नहीं नहीं था 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 था। वो चीज़ ऐसी नहीं है अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे हमारा कीवर्ड है जो भी आपको पता है बिजनेस सेटिंग मिसाल के तौर पर अगर आप इसके बैकलिंग ले रहे हैं तो आप कहते हैं कि जब जिस जहाँ से आपने लिंक लेना है तो वहाँ पे आपने एंकर ये यूज कर लेना है ये अप्रोच अच्छी नहीं है जस्ट आपका कोई इशू नहीं है आपका सिर्फ कापी राइटिंग का मसला अपनी कापी राइटिंग सेट कर लें खुद ही हो जाएंगे इंडेक्स

टॉप में आके तब जाके करते हैं तो लिंक्स वही जो गैस पोस्टिंग होती है चल रहे हैं मार्केट में हाँ पाकिस्तान लोग तो वही करते हैं लेकिन अप्रोचेज और भी बहुत सारी है, अगर हैं अगर आप okay, हैं, वो ट्राई कर लें आप लोग लगाते हैं और जो हम लगा रहे हैं वो मेरे हिसाब से कोई नहीं लगा रहा मार्केट में बहुत कम ही लोग लगा रहे हैं मैं मैनुअली निकालता हूँ हमारे यहाँ से निकालते तो वो तो वो निकाल जो जो निकाल आपके इंडेक्स ही नहीं होते मेरे ख्याल में ना मतलब बेस्ट रेटिंग बैस्ट अप्रोच है ना वो है आपकी स्काई स्क्रैपिंग टेक्निक उसमें ये होता है मिसाल के तौर पर आपका की वर्ड है तीसरे नंबर पर ठीक है आपका जो पहले और दूसरे नंबर वाली वेबसाइट्स है ना उनके अपने बैग लिंक्स निकाल लेने हैं ठीक है उनकी शॉटिंग कर लेनी है फर्स्ट सीन ठीक है ये फर्स्ट टाइम कब हुआ है सॉरी हाँ फर्स्ट सीन तो वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी उनके ओल्ड कंटेंट की जहाँ से उनके पुराने बैकलिंक लग गए दो साल तीन साल पुराने ठीक है तो आपने कंटेंट दे अगर आपसे कंटेंट इंटेंट मिल रही है और दो तीन साल पुराना कंटेंट है लिखा हुआ जहाँ से आपके कंपटीटर कम्पे, कंप्यूटर को बैकलिंग मिल रहा है तो आप वहाँ से जाके उनको आ, पिच करें हाँ उनको पिच कर उनको बोलें कि भाई आपका ये टॉपिक है आपका ये टोटली आउटडेटेड कंटेंट है ठीक है तो इसके आ, हम आपको आ, आ, फ्रेश कंटेंट और मतलब फ्रेश कंटेंट देते हैं आप तो उसके बदले मतलब आप ये पब्लिश करें और रिटर्न में ये जो बैक लिंक है इस साफ अगर आप कंटेंट देंगे तो वो लिंक आप पे लगाएंगे इससे ये होगा आपके कंप्यूटर का जो बैक लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा तो यूँ करके आप कंप्यूटर के बैक लिंक तोड़ो और अपने लगवाओ

हम जस्ट ऑन पेज और कंटेंट ये दो चीज़ें और हम अपने कराल को ऑप्टेमाइज uh, करके रखते हैं ये तीन चीज़ें हम बैक लिंक्स जो हैं ये बेसिकली देखा जाए तो प्राइमरी बैकिंग फैक्टर में नहीं आ रहा देखा जाए तो इसलिए इसके ऊपर फोकस ही नहीं है हमारा देखिए मुझे इसी चीज़ की मतलब अभी मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्योंकि हमारे यहाँ जो अगर कोई एस में स्टार्ट लेता है ना तो उसको सबसे पहले डेली बैक बनाने हाँ ये चीज़ हमारे यहाँ आँगे आँगे जाओ तो वो भी ये कहते हैं कि आपने डेली जो है बनाने शाम को घर चले जाने यही चल, <laughs> तो तो नहीं नहीं चल रहा है मैं करा में जॉब कर रहा हूँ मुझे भी तो, तो बहुत सी कंपनी में कर चुका हूँ यही चल रहा है बीस पच्चीस बैकलिंग बनाओ घर जाओ यही चल रहा है इसके ऊपर जो है तो उनको फिर वो टेक्निकल ओन पेड़ा देते हैं लेकिन कुछ नहीं है

कंटेंट ही चाहिए होता है गूगल को बैक लिंक्स नहीं चाहिए होते हाँ, और एक और चीज जहाँ भी आप लोग जॉब करते हैं ना मैं आपको एक चीज बताऊँ, जो चीज आप टेस्ट करना चाह रहे हैं ना अगर वो आपको लोग आपके जो मैनेजर हैं या फिर आपके जो बॉस हैं वो आपको इस, मतलब डिसीजन नहीं लेने देते अपनी मर्जी से जो आप चाह रहे हैं तो फिर वहां पे जॉब करने का फायदा नहीं है वहां से स्विच करें क्योंकि जब तक आप डिसीजन ही लेंगे आप कुछ कर नहीं सकते टेस्ट नहीं कर सकते अगर आपने चलना ही मैनेजर के कहने पे है तो उन्होंने फिर पूछना आपसे है कि आपने काम किया था आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे तो बेसिकली आप उनसे डिस्कस किया करें कि हमें अपने डिसीजन लेने दें जो हम चाहते हैं उस बेस पर फिर आप अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे काम के तो यूनिय के जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि बेस लिंक्स बनाने हैं और आपने बना के ही जाना है अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप बैठे वहीं पर तो ये तो एक

तो तीन चार वेबसाइट जब हमने तीन लॉन्च की थी ना तो उन तीनों की लॉन्चिंग के बाद वो एक एक महीने के अंदर उनके कीवर्ड जो थे वो कंटेंट की वजह से थर्ड पेज पे फोर्थ पेज पे सेकंड पेज पे भी कोई ना कोई सेकंड पेज पे आ गए तो अब उसको वहाँ से उठाने के लिए मैंने बैकलिंग्स लगाए थे सारे और वो बैकलिंग्स के जरिए जो है हमारी अप्रोच ही होती है फिर उसको बैकलिंग के जरिए हम उठा फर्स्ट पेज पर पे लाते हैं इस बात वो की कोई गारंटी नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके उन बैकलिंक्स की वजह से वो सेकंड पेज पे सेकंड पेज से या मतलब फर्स्ट थ्री स्पोर्ट्स में आ गया हो ठीक है टाइम लगता है जैसे एक महीने में वो सेकंड थर्ड पेज पे आ गया है या डेढ़ महीने में उसके बाद कुछ अरसें में वो खुद ही ऑटोमेटिकली तो मूव हो रहा था क्योंकि आप उसके इंटरनल बैक लिंक्स ओ, इंटरनल लिंक्स लगा रहे हो तो मल्टीपल पेजेस से ब्लाग वगैरह पब्लिश कर रहे हो तो स्पोर्ट मिल रही होती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जस्ट आपके बैक लिंक्स लगाने की वजह से ही वो आया हो तो मेरी नज़र में बैक लिंक्स जो है वो प्राइमरी फैक्टर तो है नहीं तो इससे हम इसके ऊपर काम भी नहीं करते तो आपकी नज़र में सबसे प्राइमरी फैक्टर है क्या सबसे जो प्राइमरी फैक्टर है वो आपका वेबसाइट का आर्किटेक्चर है ठीक है कि कितनी इजीली क्रॉलर्स आपके पेजेस को एक्सेस करते हैं उसके बाद आपका कंटेंट वो आपकी कापी राइटिंग होगी ये दो चीज़ें जो ये आपकी प्राइमरी फैक्टर है इन माय ओपिनियन वैसे ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं है कहीं से भी तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं ये तीन चीज़ें ये दो चीज़ें अभी जैसे आपने मतलब कंटेंट का बताया कॉपी राइटिंग का तो उसमें आप कौन सी चीज़ें कंसीडर करते हैं कि ये जो है प्राइमरी होनी चाहिए आपके कॉन्टेंट जो आपका मेन सर्विस है या जो आपका मेन टारगेट की वर्ड है ठीक है वो तो आपके एच वन में आना ही आना चाहिए ठीक हो पार गया उसके बाद जो मैं करता हूँ यूज मैं मैं यूज़ करता हूँ सर्फर एच सी ओ ठीक है ठीक हाँ, है। तो उसी को मैं अप्रोच करता हूँ और उसके अलावा फिर टॉपिकल मैपिंग करते हैं ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं उस हिसाब से कि जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट पहले शेयर करते हैं उसके बाद फिर कोई रिव्यूज वगैरह हो गए फिर कमर्शियल वगैरह इस टाइप की चीज़ें हो गई मतलब एक प्रॉपर जैसे यू जैसे एक फंडल तो बन बनाते हैं

ठीक है दिखुण। एक में हम वहाँ पे कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं दूसरे क्लस्टर में तीसरे में हम कमर्शियल क्यूरीज यूज़ कर टारगेट करके हम तीन तीन एक क्लस्टर है जो ना एक क्लस्टर ए है मिसाल के तौर पर उसके अंदर हमारे पास पांच से सात ब्लॉग्स हैं तो हम उनको आपस में ट्रेन लिंक कर रहे हैं और हर उस हर एक आर्टिकल से हम लिंक दे रहे थे हमारे जो टारगेट पेज है उसको ठीक है इसके बाद हमारा क्लस्टर बी है क्लस्टर बी में जो आर्टिकल्स होंगे वो पाँच सात हो गए तो उनको हम आपस में लिंक दे रहे हैं और हम उनसे लिंक दे रहे हैं टारगेट पेज को ठीक है लेकिन जो क्लस्टर एरिया उसका क्लस्टर एक क्लस्टर ए क्लस्टर बी को हम दूसरे लिंक नहीं देते सेम फॉर क्लस्टर सी चारे। तो ये हमारा प्रोसेस है मतलब तीन नीचे स्टेप्स हैं ऊपर एक स्टेप है हमारा चारे ये प्रोसेस है चारे चारे। जैसे एक टाइप की वो टियर बिल्डिंग होती है टियर लिंक हां ये चीज ये चीज हां सही 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 कुछ और है या फिर नेक्स्ट पे चलें अब

आ, कुछ दिन पहले भी एक वेबसाइट में चेक कर था उसके ऊपर अटैक हुआ तो हज उनके थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स साइट मैप जनरेट कर दी उन्होंने तो सेम वही चीज इश्यू था जो आपका है उसमें ये होता है कि आपकी डोमेन है ठीक उसके बाद वो एक फोल्डर बना लेते हैं कोई भी नेम से जैसे आपके नाम आपके पास आ रहा था जी टी ई के नाम से आई थिंक ठीक है तो इस टाइप का जो मैं कल परसों देख रहा था वेबसाइट उसके पास भी ऐसे एक, एक फोल्डर बन रहा था आई के नाम से वो फोल्डर बना लेते हैं उसके अंदर वो अपने पेजेस क्रिएट करते हैं वो जो पेजेस होते हैं मोस्टली वो अपने प्रमोशनल कंटेंट वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं जो आपके केस में था वो मैं देख रहा था एक मैं दोबारा देखता हूँ एक सेकेंड तो इनका निशानी ये होती है कि एक तो जो ये होता है इसका कंटेंट किसी और लैंग्वेज में होता है ठीक है उसके अलावा फिर आपके जो पेज होते हैं उसके एंड पे वन थाउजेंड आ रहा होता है या फिर आपके पेज के एंड पे एच टी एम आ रहा होता है इस टाइप की चीजें आ रही होती हैं तो ये आपके ना हैगड आपकी वेबसाइट हैक हो है, है जाती है तब ये जिस तरह के पेजेस क्रिएट होते हैं अब जो आपके सीन में है तो उसमें मैं देख रहा है कि आपको एक फोल्डर बना हुआ है जी ई टी के नाम से और एक फोल्डर है आई टी ई के नाम से इस फोल्डर के अंदर उन्होंने अपने पेजेस डाल रखे हैं काफ़ी सारे तो वो बेसिकली डिलीट हो गए हैं और ब्रोकन है तो अभी तक वो क्रॉल हो रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का जो रिसेंट वर्जन है वो इंस्टॉल कर लें इस वेबसाइट के ऊपर और इन पेज जो लिस्ट है ये निकालें इनका स्टेटस फोर वन जीरो करवा दें उसके बाद इसको वैलिडेट कर दें तो ये आपके रिमूव हो जाएंगे ये आपकी साइट पे अटैक हुआ, हुआ हुआ है ओके ओके थैंक यू थैंक यू वेलकम नेक्स्ट है कोई ये आई थिंक सभी हो गए हैं ये एक हैंड अभी तक खड़ा है पता नहीं <laughs> ये वैसे भी हो गए हैं आई थिंक जब आपने कहा था I... खैर आप पूछ अच्छा लीजिए अगर इनका वैसे है, है, है।, है। अच्छा तो वो खुद ही खुद ही डाउन कर दी है ये भी सब लोग मैं देख रहा हूँ ये जैकेट्स जैकेट्स पे काम करते जा रहे हैं क्या है जैकेट्स में ऐसा <laughs> रफी भी पता क्या मैं बताता हूँ जो एक्चुअली में ना कंटेंट uh, है ना यूट्यूब के ऊपर या सम काइंड ऑफ लोग इन, बताते हैं नीच रिसर्च या इस चीज़ों पर हाँ को पकड़ लेते हैं

हो लेग जैकेट्स फिर ऐसे लेग जैकेट्स में आल जैकेट्स की डिस्क्रिप्शन सेम uh, है जस्ट कलर चेंज है और प्रोडक्ट नेम डिफरेंट है तो कैनेबलाइजेशन एरर आएगा मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो गूगल होता है वो आपके जो पेज होता है उसके कॉन्टेक्सट आपके से लेता है ठीक है यहाँ पर ये क्या लाफ यूज़ होता है केनेबलाइजेशन इसके बहुत कम केस होंगे लेकिन हो सकती है और जो आप कलर चेंज का नाम ले रहे हैं मतलब ब्राउन जैकेट एक पेज है एक रेड जैकेट एक है एक पेज है अगर इस हिसाब से है तो फिर तो इसमें नहीं आएगी ठीक है और अगर आपका सेम पेज है उसके ऊपर आपकी फ़िल्टर्स लगे हुए हैं कलर के उसका जोरल बन रहा है इस तरह की चीज़ों तो वहाँ पे भी इस तरह के पेजे वो कराल होते हैं लेकिन इंडेक्स नहीं होते जब तक इंडेक्स नहीं होंगे तो तब तक ये इकनेबलाइजेशन नहीं होगी हाँ ठीक है मेरे मेघा में हो गए हैं सबके

सो so अगेन मैं इनको शेयर कर दूंगा तो राफे भाई ने काफी केस स्टडीज वहाँ पे शेयर की हुई है अच्छी खासी लेक्चर्स पड़े हुए हैं बाकी ई कॉमर्स एस सी और रमजान सदीज कामरान भाई ने जो करवाई थी वहां पे भी राफे भाई के हैं तीन से सेशन ऑलमोस्ट So, आप गेट कर सकते हैं इन्हें पे अप्रोच कर सकते हैं और इनका डीएम के लिए <laughs> लेकिन हाँ डिले हो सकता है लेकिन राफे भाई वो अपनी हूं हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल कि वो डिले uh, हो जाता है लेकिन वो अपनी एंड से पूरी ट्राई करते हैं कि आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को जो भी आपकी क्यूरी है उसे आंसर किया जाए सो so मेक sure करें ये ये सेशन भी अपलोड हो जाएगा तो शेयर करें लाफे भाई को सब्सक्राइब करें ग्रुप तो तो, कर कर ही तो कहीं पे कोई नहीं है लेकिन ना मैं इधर दे देता हूँ अपने सेकंड ग्रुप का क्योंकि हमारा जो पहला ग्रुप है ना वो फुल हुआ पड़ा यार पच्चीस मेंबर से सो ये जो हमारे सेकंड ग्रुप किया इसमें भी बंदे हो चुके हैं ऐड और सो so, बाकी यार राफे भाई के जो चैनल का लिंक है वो भी मैं शेयर कर दे तो आप लोग वो भी सब्सक्राइब करें इनशाला रफीक भाई ने कम्युनिटी ने कहा है कि राफे भाई को दोबारा चैनल कंटिन्यू करने का तो इनशाला वो भी करेंगे और टाइम निकाल के सारा कुछ तो आप लोग वैल्यूएल कंटेंट क्योंकि राफी भाई पता है मैं माम को क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ यार तुम लोग ना ये दरअसल जाती राफी भाई शशकों के ऊपर ब्रांडिंग के ऊपर जिन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हो बस उन्हें सुनती है लेकिन बैकबोन पे जो वैल्यूएबल है ना नॉलेजेबल क्रिएटर्स वो राफिब भाई आरकाइव भी पड़े रहते हैं यूट्यूब के ऊपर तो ये मेन चीज है लेकिन राफिब भाई जो आ, का, आ, कामरान भाई की सीरीज थी ना एस रमजान सीरीज वो मतलब ना अभी तक जितने मैंने कोर्स शोर्स किए ना दी बेस्ट है उनसे भी

दो अफज़ल बैकअप कर, किसको करना है जिनका माइक ऑन है आई थिंक कह दी है कैमरा सॉरी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जनाब क्या हाल है खैरियत अल्लाह का शुक्र अच्छा एक क्यूरी थी रिगार्डिंग आपकी वीडियो में जिसमें आपने वो जीएससी की क्यूरीज जीए ब्लॉक के हवाले से आपने कर रहे थे गाइड जो जी एस सी में क्यूरीज आ रही होती हैं उन्हीं क्यूरीज को हमें अपने आर्टिकल में कंटेंट में ऐड करेंगे तो हमारे लिए वो फर्दर आ, उसकी इंडेक्सिंग बेहतर होगी और क्लिक्स इंक्रीज होंगे okay. एक तो ये चीज आपसे पूछनी थी कि मेरे एक पेज के ऊपर ऑलरेडी वो क्यूरिटी एग्जिस्ट करती है जो एक आ, दो चीजों के डिफरेंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक ब्लॉग एक आर्टिकल पे और लेकिन वही क्यूरी जीएससी में भी आ रही है लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं होता ये क्या इशू है एक चीज ये है और दूसरा ये है कि एक और आर्टिकल है मेरा तो जिस जो पहले सेकंड पेज पे रैंक कर रहा था जिसपे टफ कंपटीशन था तो मैंने उसमें एक चीज ऐड कर दी जो फर्स्ट पेज था सर्ब का उसमें से एफेक्यूज लेके वो मैंने अपने आर्टिकल में ऐड कर दिए और उसको फिर रीइंडेक्सिंग करवा दिया लेकिन उससे इफेक्ट ये हुआ कि वो सेकेंड पेज से उठ के वो, वो चले गए बीसवें पे, पेज के ऊपर बीसवें पे आ गया हाँ जी बहुत बीसवें पे आ गए तो ये दो चीजें जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप करते हैं ये जो बीसवें पे गया यहाँ पे तो कंटेंट आपने उसका यूज कर लिया ना कंपटीटर का

इस अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड पेज से फिर उठ के 20वें पेज पे जाना बड़ा 22वें पेज पे पहुंचना बड़ा अजीब सा है या तो मैं अगर ना, अच्छा हो इसका शायद डीएनएक्स हो जाए फ्यूचर में अच्छा आप बताएं मुझे कि क्या मैं उसको रिमूव कर दूं तो फिर क्या दोबारा इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा या सारा

ये दस दिन मतलब इससे पहले की बात लग रही है मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है दस बस दिन पहले की पंद्रह अगस्त को आई है अच्छा कंटेंट का मेरे ख्याल में आपका कंटेंट का इशू हो सकता है उसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर उस पेज को जो लिंक मिल रहे हैं जिन पेजेस से वो पेजेस वगैरह तो डिलीट नहीं किया आपने याद हो अगर नहीं नहीं कुछ नहीं किया जस्ट मैंने एफ FQs... मैंने मैंने नहीं नहीं मैंने तो ये कहा था कि चलें सेकंड पेज पे मैं एफएक्यू डाल के शायद कुछ और फर्दर फर्स्ट पेज के आठवेंट पे तो है जो आपने आंसर किए किसी को उठाए या मतलब प्रॉपर लिखे हुए हैं प्रॉपर वे में ये नहीं वो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसका आंसर पे बिल्कुल

ये ट्राई करके देख अच्छा, एक... अच्छा, अच्छा, एंकर चेंज करके लगाना चाहिए हाँ एंकर की वेरिएशन यूज करनी चाहिए एग्जैक्ट मैच जो होता है वो अब यूज नहीं करने चाहिए अच्छा एक चीज होती है कि जो आ, आ, पूरा जो कंटेंट है 1200 1500 वर्ड्स का उसमें सेंटर में कहीं जाके पूरा एक पूरा लिंक दिया होता है कि फॉर रेलेवेंट टॉपिक यू मे रीड दिस यू मे आल्सो रीड दिस और वो फिर वहां से वो बेहतर वो बेहतर है कि नहीं नहीं वो बिल्कुल रॉन्ग है उसको हम बोलते हैं नॉन टेक्सचुअल सॉरी नॉन कॉन्टेक्सुअल लिंक्स तो वो बैड स्ट्रेटेजी है क्योंकि जो आपके इंटरनल लिंक्स है वो हमेशा नेचुरल होने चाहिए अच्छा वो एंकर के थ्रू होनी चाहिए जी नेचुरल होने चाहिए ताकि एंकर भी अंदर धुंरी लगा देना कि यहाँ पे फिट हो रहा है और यहां पे फिट हो रहा है यानी और अपने फिट करना नहीं करना टोटल चीज नेचुरल होनी चाहिए लेकिन ये चीज मैंने जो आप कह रहे हैं नॉन कॉन्स्ट्रक्चुअल लिंक ये अक्सर वेबसाइट्स और अच्छी लगा होता है बड़ी लगा होता है कि उसमें लिखा होता है कि जी अगर आपने इसी टॉपिक पे फर्दर कोई अच्छे रेलिवेंट पढ़ना है तो आप इसको क्लिक करें तो वो आप उसको छोड़ें लोगों को छोड़ें आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं तो ये लोग करते है मैं आपको ये बता हमेशा आच्छा, आप आच्छा. आप इसका फिर बाद में कंटेंट डाउन हो जाता है ये भी तो नुकसान है ना फिर आपका प्रॉपर चलने को लेकर ताकि आपको फ्यूचर में मसले न आज तक मेरी किसी वेबसाइट को हिट नहीं लगी Trust me. अच्छा, तो ब्लैक है तो हमें भी भी आती है, बात हम भी कर सकते हैं <laughs> करने पे हैं तो वैसा कुछ नहीं है लेकिन फायदा नहीं उसका करने का बाद में बादल ही बंदे ने तो स्टार्ट में आप अच्छा काम कर लें तो आप नेचुरल चीज यूज करें जी राफी भाई अगर बैठे रहे तो इन्होने कोई नहीं है, आपकी आजानी हाँ, ये, ये बात तो है मैंने अभी खाना भी खाना हाँ, है

Okay, आ, भी आ, आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए होगी तो मैं आपको वो भी आ, दे दूंगा आप वहाँ अपने चैनल पे अगर अपलोड करना चाहे वहाँ पे भी कर सकते हैं ठीक है सो चलें कोई नहीं कर लेंगे okay, okay.